सभी को पुनः नमस्ते। तो कुछ मिनटों में हम लोग अभी तक दो दिन में जितनी बात हुई उसको एक बार समाप्त करेंगे। और 9 बजे से मैं रिफ्लेक्शन सुन रहा था आप सभी के, और ऐसा देखने में आ रहा है कि आप सभी पूरी चर्चा को काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं और एक एक मुद्दे को समझने का पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत उपलब्धि की बात है। अगर हम लोग ऑनलाइन मोड में एक दूसरे से इतना सार्थक संवाद कर पा रहे हैं तो इस ऑनलाइन मोड के लिए भी धन्यवाद है जी। तो हम लोगों ने पहले दिन जो बात शुरू की थी कि न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के अर्थ मानवीय शिक्षा संस्कार का स्वरूप कैसा हो, तो ये दिखता है कि शिक्षा संस्कार अगर मानवीय होगी तो उससे मानवीय दृष्टि विकसित होगी, जिससे मानवीय मूल्य चिंतन में आएंगे व्यक्ति के, और उसके साथ उसके अंदर मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीने की योग्यता विकसित होगी, और उस योग्यता के साथ वो अपने लिए सही हुनर चुन पाएगा जिससे एक मानवीय समाज मानवीय व्यवस्था का एक आधार बन पाएगा। ये भी बात हुई थी कि कोई बात कही जा रही है उसमें मानवीय मूल्य है कि नहीं ये कैसे तय होगा, तो वो बात सार्वभौमिक होनी आवश्यक है, तर्कसंगत होनी आवश्यक है, प्रमाणिक होनी आवश्यक है, और अल्टीमेटली उससे एक संगीत व्यवस्था निकल कर आने की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तो हमारी जो कौशल शिक्षा होगी मूल्यधारित होगी, और ऐसी शिक्षा फिर एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का आधार बन पाएगी। ये बात मुझे लगता है हम सभी देख ही पा रहे हैं। आप लोग रिफ्लेक्शन से ऐसा लग भी रहा था कि ये सब चीज़ों को आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि आनंद मंत्रालय में आप लोग पहले से ही इन मुद्दों पर ध्यान देने का प्रयास करते रहे, तो आपका पहले से ही कुछ एक तरह का संस्कार ऐसा बन पाया है जिससे आप इन चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ भी पा रहे हैं। ये भी एक उपलब्धि की बात है। तो हम लोगों ने मानव चेतना की बात की थी। मानव चेतना का अर्थ क्या हुआ, तो यदि हम अपने जीने में इन तीनों को समझ संबंध सुविधा सही वरीयता के साथ प्लेस कर पाते हैं, और हमको दिखता है कि समझ हमारी पहली वरीयता है, समझ से ही हमारे संबंध में भाव ठीक होते हैं जिससे हम साथ साथ जीते हुए सुखी होते हैं, समझ से ही सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से होती है, और शेष प्रकृति की समझ ही बनती है जिससे हम जो उत्पादन करते हैं उस उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा हमारे अंदर भी समृद्धि का भाव आता है और शेष प्रकृति भी पहले से अधिक संपन्न हो जाती है। तो ये दिखता है कि ये जीने का पूरा स्वरूप हो सकता है, इसी को मानव चेतना कहेंगे। ये भी दिखता है अपने को कि शिक्षा का मूल अर्थ तो समझना है ना, और जब हमको बात समझ में आती तो वैसा जीना होता है, जीना हमारा संस्कार है। तो शिक्षा से अपेक्षा है ही कि शिक्षा सिर्फ व्यक्ति के अंदर कुछ हुनर विकसित ना करे, व्यक्ति को सिर्फ कुछ सूचनाओं से सूचनाएं उसमें ना डाले, परंतु उसके अंदर एक ऐसी समझ विकसित हो जिससे अपने जीने के हर आयाम में सही सही जी पाए। अब जीने के पूरे फैलाव को देखें तो दिखता है कि हम सभी 4 स्तरों पे जीते हैं, मानव के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में, और इनमें से हर एक स्तर पर व्यवस्था को समझना बनता है, और इसी व्यवस्था को समझने का भी हम काम कर रहे हैं इस पूरे वर्कशॉप में। जब ऐसा समझते हैं तो हमारा जीना भी इसके अनुरूप हो पाता है, हर एक स्तर और व्यवस्था में जी पाते हैं। एक बात इसमें और भी ध्यान देने की है कि ऐसा हो सकता है कि हमें किसी बात को समझने में काफ़ी समय लगे, परंतु आपके अंदर एक जो संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है, जांच की प्रक्रिया शुरू होती है, उससे आपके जीने का ट्रांसफॉर्मेशन तो डे 1 से शुरू हो जाता है। आप अपने विचारों में ही देखेंगे तो कुछ शिफ्ट दिखाई देगा। जैसे एक महत्वपूर्ण काम इस पूरे वर्कशॉप में करने का ये भी है, और जिस पर कल जब बात हुई थी तो और स्पष्ट हुआ कि हम अपने विचारों के प्रति सजग हों कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं ना, फिर हम देखें उन विचारों में समझ का क्या पुट है, जो हमारे भाव हैं वो कितना भाव संबंध के अर्थ में, कितना भाव विरोध के अर्थ में है। जब हम सुविधा का विचार कर रहे हैं तो सुविधा की आवश्यकता को पहले पहचान के विचार कर रहे हैं या बिना पहचाने विचार कर रहे हैं। तो ये काम है जो हम सतत अपने अंदर कर सकते हैं। इन 5 दिनों में अगर आप इस काम को सतत करेंगे तो 5वें दिन ही आपको काफी शिफ्ट दिखाई देगा, और आपको तो दिखेगा ही, दूसरा जो लोग आपके साथ जी रहे हैं ना उनको भी आपके जीने में काफी शिफ्ट दिखाई देता है। पहले किसी बात पर जिस तरह से आप रिएक्ट करते थे और अब जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, वो भी एक शिफ्ट है। पहले जिस तरह से आप अपना समय बिताते थे और अब जिस तरह से समय बिताते हैं, पहले आपके बातचीत के जो मुद्दे होते थे और आज के दिन बातचीत के जो मुद्दे बनते हैं, तो इन सब में आपको एक शिफ्ट दिखाई देगा, अगले व्यक्ति को भी दिखाई देता है। अभी सामान्य रूप से देखिए तो व्यक्ति क्या बात करता है, आप देखें तो या तो सुविधा संग्रह को लेकर बात करता है, या सुविधा संग्रह में जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर बात करता है, या संबंध में जो क्षोभ है, दुख है, परेशानी, उसको लेकर बात करता है।
और इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता कि अल्टीमेटली इन सब का कारण जो भी मेरे अंदर परेशानी हो, मैं स्वयं हूँ, मेरी समझ का भाव है। इसलिए भी कहते हैं ना कि आदमी अभी तीन मुद्दों पे ही फंसा रहता है, अतीत की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। अगर देखें पूरी कल्पनाशीलता को देखें तो इन तीन मुद्दों पे फंसा रहता है। तो हम अपने अंदर इस मानव चेतना की पूरी परिकल्पना को प्लेस कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर थोड़ा सा सोचिए, है ना। तब तक मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ। दो हैंड्स रेज हुए जी, श्रीमती उषा व्यास जी, श्रीमती अंबिका साहू जी। जी उषा जी, सॉरी सर, धोखे से हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अंबिका साहू जी, निधि चौधरी जी। जी सर, सर सबसे पहले तो मेरा नाम निधि चतुर्वेदी है सर। अच्छा, और मैं आपको नमस्ते करती हूँ। सर मुझे ये पूछना है कि बातचीत करने के जो मुद्दों में बदलाव की आप बात कर रहे हैं, है ना, तो वो यदि हम अपनों के साथ है तभी क्या वो मुद्दे परिवर्तित होंगे सर, कि मतलब हमारी सोच के साथ बदलाव में मुद्दे परिवर्तित होंगे सर, मुझे ये पूछना था। बिल्कुल परिवर्तित होंगे। अभी भी देखिए ना, जैसे हम आपस में बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ टिका रहता है? मुख्य रूप से दो मुद्दों पे टिका रहता है, या तो सुविधा पर या संबंधों में जो कोई कठिनाई आ रही है उस पे, है ना। हम रेयरली ही समझ पे बात कर पाते हैं। तो जितना जितना ये मानव चेतना पे ध्यान जाएगा उतना उतना हमारी बातचीत के मुद्दे भी शिफ्ट होंगे समझ पे, कि अल्टीमेटली समझने के मुद्दे क्या है इसमें, है ना। अगर सुविधा की पहचान को लेकर कोई चूक हो रही है तो उसमें क्या समझने का मुद्दा है? अगर संबंध में कोई चूक हो रही है तो उसमें क्या समझने का मुद्दा है? थैंक यू सर जी। इसी को अगर फैला कर देखें ना, तो जो कुछ भी है उन सबको समझा जा सकता है, सही समझ के साथ पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को समझा जा सकता है। उसके साथ हर मानव के साथ संबंध में न्यायपूर्वक कैसे जिया जाए इसको समझा जा सकता है। जहाँ भी हमें एक एक संबंध को जीना अपने आप में एक कठिन मुद्दा लगता है, एक प्रोग्राम लगता है ना, एक प्रोजेक्ट लगता है, उसके बजाय हम मानव मानव संबंध में जो निहित मूल्य हैं उनको समझ कर हर मानव के साथ सुखपूर्वक कैसे जिया जाए इस मुद्दे पर स्पष्ट हो पाते हैं। और हमको परिवार का जो स्वरूप है ना, अभी जो हमें बस पति पत्नी बच्चे यहाँ तक दिखाई देता है, वो फैलते हुए पूरा विश्व परिवार तक दिखाई देता है। आपको धीरे धीरे दिखाई देगा जितना जितना हमें संबंध में भावों की पहचान होती है, आज हम संबंध की बात शुरू करेंगे, उतना उतना हमारा परिवार का नोशन भी फैलता है। ये जो सीमित तीन लोग चार लोग को हम परिवार मानते हैं उससे फैल कर हम पूरे विश्व परिवार तक सोच पाते हैं। वैसे ही अभी जहाँ हम सुविधाओं पे ही ज्यादातर समय ध्यान देते रहते हैं उससे फैल कर हम पूरी प्रकृति की व्यवस्था पे ध्यान दे पाते हैं। तो अगर अपने घर में मैं कोई वस्तु का प्रयोग कर रहा हूँ वो प्रकृति से ही आती है, मुझे स्पष्ट रहता है प्रकृति में किस विधि से आ रही है, उसमें प्रकृति का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है या उसका पोषण हो रहा है, इस पर भी ध्यान बना रहता है। तो जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उससे अल्टीमेटली क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, प्रकृति क्षीण होने वाली है या संपन्न होने वाली है, उससे मेरी आवश्यकता पूर्ति होने वाली है नहीं होने वाली है, है ना, ये मेरी आवश्यकता भी है कि नहीं। तो परिवार व्यवस्था को सुनिश्चित करते के क्रम में ना, ये पूरी समझ के साथ आप पूरे विश्व परिवार व्यवस्था तक सोच पाते हैं। इसमें समय लगेगा, लग नहीं सकता है ना, परंतु जितना जितना आप ध्यान देंगे आपका जीने का जो फैलाव है बढ़ता जाता है, आपका जो कल्पनाशीलता का फैलाव है बढ़ता जाता है, जो संबंध का फैलाव है बढ़ता जाता है, जो समझ की गहराई है बढ़ती जाती है। इससे हम जो उभय सुखपूर्वक जीने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, अब हमारा जो प्रयास होता है ना अखंड समाज के अर्थ में होता है, तो एक एक संबंध में उभय सुख को सुनिश्चित करते हुए हम अखंड समाज के अर्थ में सोच पाते हैं, है ना। वैसे ही हम सिर्फ अपने जो पारिवारिक लक्ष्यों को पूर्ति में लगे रहते हैं उससे आगे बढ़कर हम पूरे मानव लक्ष्य की पूर्ति के बारे में सोच पाते हैं कि समाज में रहते हुए हर मानव का क्या समान लक्ष्य हो सकता है, इसको हम कल बात करेंगे और विस्तार में, और कैसे एक सार्वभौम व्यवस्था हो सकती है। ये मानव चेतना है, इतना फैल कर हम देख पाए सोच पाए, ये मानव चेतना है। ऐसा संक्रमण हो जाए तो अभी जहां हम फंसे रहते हैं आमतौर पर सिर्फ सुविधा के दायरे में, है ना, संबंधों को भी निर्वाह करने जाते हैं तो सुविधाओं से ही, अपने को भी तृप्त करने जाते हैं तो सुविधाओं से ही कि नहीं, तो इतने छोटे से दायरे से निकल कर हम पूरे जीने के फैलाव में सोच पाते हैं, देख पाते हैं, जी पाते हैं। ऐसा संक्रमण हो जाता है तब हम कहेंगे एक मानव के रूप में हम विकसित हुए। ऐसा समाज में हो जाए तो हम कहेंगे समाज का विकास हुआ। इसको हम लोग और अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं।
ये भी बात कही गई है कि जो भी बात कही जा रही है प्रस्ताव है और उसे अपने आधार पर जांचना है और जांचने का हमारा अपना आधार अपने अंदर बना हुआ है। ये जांचने का आधार मेरे स्वयं में है, क्या है, मेरी सहज स्वीकृति। और आपने दो दिनों में देखा होगा कि जितना जितना मैं इसको रेफर करता हूँ या करती हूँ उतना उतना मुझे ऑथेंटिक आंसर्स मिलते हैं। अब मुझे बाहर नहीं देखना पड़ता अपने उत्तरों को समझने के लिए, अपने अंदर सही को पहचानने के लिए बाहर नहीं देखना पड़ता, स्वयं में देख पाते हैं कि हाँ यही है जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है। मुझे संबंध का भाव ही सहज रूप से स्वीकार है, मुझे समृद्धि का भाव ही सहज रूप से स्वीकार है, संग्रह का नहीं, विरोध का नहीं, इसको अपने आधार पर तय कर पाते हैं। और इस चीज को जब मैं जीने जाता हूँ तो मानव के साथ व्यवहार करता हूँ तो उसमें दिखता है कि हम दोनों सुखी होते हैं। वैसे ही शेष प्रकृति के साथ कार्य करने जाता हूँ दिखता है कि मैं भी समृद्ध होता हूँ, प्रकृति भी समृद्ध होती है। इससे एक ऑथेंटिसिटी आती है, ये बात जो हमारे अंदर जांचने में आई हुई जीने में प्रमाणित होती है तो हमारी समझ का हिस्सा बन जाती है। जी कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। श्री गजेंद्र जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं ये उभय शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ, सही अर्थ मैं क्या समझ रहा हूँ और इसका क्या अर्थ लिया गया है यहाँ पर। उभय का मतलब है दोनों। दोनों सर, एक मेरा एक प्रस्ताव है, हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, पर एक रख रहा हूँ अपने दृष्टिकोण से कि यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया जैसे मैं, तो जैसा मुझे लगा प्रश्नों के माध्यम से कि मैं शब्द को किसी ने मैं अहंकार से भी जोड़कर थोड़ा सा देखा, तो क्या मैं के स्थान पर हम स्वयं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर? कर सकते हैं जी सर। दूसरा एक कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या उसके स्थान पर हम कर्म या प्रयास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? कर्म या प्रयास। हाँ थोड़ा सा मैं पहले क्वेश्चन को भी क्लैरिफाई कर दूं और दूसरे को भी क्लैरिफाई कर दूं। जब स्वयं कहते हैं ना तो कई बार हम मानव के रूप में कहते हैं उसको जी, तो मैं की ओर ध्यान चला जाए ज्यादा आवश्यक है, इसलिए उसको हम लोगों ने प्रयोग पूर्वक उसको मैं कहा, क्योंकि मैं शब्द हम लोग बोलते ही रहते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, है ना। तो जो मैं जैसी इकाई है उस पर हमारा ठीक से ध्यान चला जाए, है ना, अगर स्वयं कहने से ध्यान चला जाए तो स्वयं कह सकते हैं, सेल्फ कहने से ध्यान चला जाए सेल्फ कह सकते हैं, अल्टीमेटली मुद्दा ध्यान जाने का है ना। और मैं को लेकर ना एक जो उससे जुड़ा हुआ अर्थ एक लिख हम चलते हैं, उसको हम अहंकार या ईगो के रूप में भी देखते हैं कई बार, तो उसका मतलब भी क्या है वो हम लोग समझेंगे जब आज संबंध पे बात होगी और विस्तार से सम्मान पे बात होगी, तो अहंकार या अहमता या अधिमूल्यन या ईगो क्या मतलब है उसको भी समझेंगे। जी सर धन्यवाद सर, क्योंकि मैंने अक्सर मैं को अहंकार ईगो मैं का भाव इनके रूप में ज्यादा पढ़ा था, इसलिए शुरू में कंफ्यूज किया था, बाकी मैं इसका उद्देश्य समझ गया था, मैंने स्वयं या अपने भीतरी अस्तित्व से जब जोड़कर मैंने इसको समझा था। दूसरा कौशल शब्द भी प्रचलित शब्द नहीं लगा, इसलिए मैंने इसे कर्म प्रयास के रूप में देखने की कोशिश की। हुनर शब्द का प्रयोग भी बहुत हुआ है हमारे पीपीटीज और प्रश्नों में, इसको क्या हम समझ से देख सकते हैं? हुनर मतलब समझ नहीं, हुनर मतलब समझ नहीं, हुनर तो मतलब कोई कार्य करने की कला, कला व्यवहार करने की कला, ठीक है, स्किल। और उभय शब्द को हम दोनों के अर्थ में ले, उभय का मतलब दोनों, दोनों सुखी हुए। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हेमंत त्रिवेदी जी। हेलो जी। हाँ जी सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। मैं मेरे अंदर एक कुछ जिज्ञासाएं आई हैं इससे आपके ये कार्यक्रम से, दो तीन दिन से मैं सुन रहा हूँ और मंथन भी कर रहा हूँ जांच परख। तो एक प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है कि ये जैसे सहज कल जो बताया था कि हमारे जो कर्म हैं कभी कभी मान्यताओं द्वारा प्रेरित रहते हैं, कभी कभी अपने संवेदनाओं के द्वारा और अपने पूर्वाग्रह के द्वारा, और जैसे सहज स्वीकृति से कर्म नहीं होते, तो ये सब, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब चीज समझ से संबंधित है और राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जैसे अभी जैसे कहें कि सहज अपना और संबंध और जिसको कहें कि सुविधा, इसमें सबसे ज़्यादा इस समय जो दिक्कतें हैं, जैसे समाज की बात नहीं और अपनी बात करूं तो यहाँ दिक्कतें होती हैं संबंधों पे। संबंधों में क्या है कि जब हम ये जो पूरी प्रक्रिया जैसे प्रस्ताव स्वरूप आप हमारे समक्ष रख रहे हैं ये पूरा वर्क कार्यशाला,
तो ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि समझ में तो आ रहा है, लेकिन जब तक आपकी ये पीपीटी चल रही है, क्योंकि पीपीटी पता नहीं कितनी होंगी, हमें ये अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले तो ये भी दिमाग से निकल जाएगा कि क्या बताया गया था और आने वाले समय में क्या बताया। आप भी पीपीटी के सहारे आगे अपनी बात रख पा रहे हैं, तो ये जो वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जांच परख के द्वारा कि ये सारी प्रक्रिया समझ के ऊपर है। राइट अंडरस्टैंडिंग आ गई तो फिर इतनी सारी किसी चीज को समझने की आवश्यकता ही नहीं है कि मतलब इतना सारा जो फैलाव विचारों का, एक बहुत अच्छे अच्छे शानदार शब्दों का प्रयोग और बहुत सारे प्रत्ययों कॉन्सेप्ट की व्याख्या, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे चेतना में आने लगी तो स्वतः स्वतः बहुत सी चीजें छूट भी जाए तो कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इसकी ओवरऑल पूरी कॉन्सेप्ट को अगर एक शब्द में कहें तो ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल पूरी कॉन्सेप्ट, आपका पूरा जो कार्यशाला का निचोड़ है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो क्या क्या होगा सर? सही समझ सही भाव। हाँ बस। और ये सही समझ सही भाव क्या हमारे इस एक वर्कशॉप से संभव है कि हमारे पास आ जाएगी? क्योंकि कई एक्ट ऐसे होंगे कि हम समझ भी रहे हैं लेकिन हमारे अनकंडीशनली ऐसा हो रहा है कि मैं चाहते भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा हूँ एक्सप्लेन करता या। हूँ, आपके प्रश्न मुझे स्पष्ट हो गया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी तो यहाँ मैं जो आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि जी आपको बात समझ में आ जा रही है और फिर आप भूल जा रहे हैं। हाँ ये बात आपकी ध्यान में आ जा रही है, आपकी कल्पनाशीलता में आ जा रही है, सोच में आ रही है। सोच में आ रही है, परंतु जब तक आप इसे जांचेंगे नहीं, जी के देखेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगी। तो ये जो नहीं सर, आपको कई कई बार ऐसा होता है कि हम जी के भी देख रहे हैं। हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जैसे आपने कहा ना कि मतलब आदमी एक ऐसा एम्फीबियन है, उभयचर प्राणी है, कि अपने बनाए संसार में भी रहता है, भगवान के बनाए संसार में भी रहता है। तो हम अपने बनाए संसार में भी रह रहे हैं, भगवान के बनाए संसार में रह रहे हैं। लेकिन जहाँ अपने संसार है तो अपनी मान्यता भी है, अपने कुछ हिंड्रेंस भी हैं, अपनी कुछ अवरोध भी हैं, और अपना कुछ सेल्फ क्रिएट आई जो है, जिसको कहेगा किसी का आई स्मॉल है, किसी का कैपिटल है, तो वो आई जो है ना बड़ी प्रॉब्लम करता है। क्योंकि वो आई हमेशा स्वयं को हमेशा राइट मानता है। जैसे मैं अपने आप को राइट मानूं तो आप सबको गलत कहूंगा, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट को गलत कहूंगा। अगर मैं अपनी कॉन्सेप्ट में ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी थिंकिंग हमेशा राइट रही है, तो भले ही ये परख चल रही है, जांच परख चल रही है, लेकिन जो आई जो है ना ये भी तैयार होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। और ये सारी जैसे सारी धर्मों की जो देशना है, मीमांसा है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, भारतीय मनीषा की हो, वो मीमांसा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन कहीं से वो समझ में ही नहीं आती। और जहां पे हमें लग रहा है, अभी जैसे हम चलते जा रहे हैं आपके साथ, तो लग रहा है कि जैसे हमारी सोच में आ रहा है, लेकिन सोच में आने के साथ भी, वैसे सोच में तो वैसे भी क्रिएट होता है, मतलब जैसे सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट नहीं होता कि एक पीपीटी मैं पर। आपके प्रश्न को समझ गया, मैं उसी को क्लैरिफाई कर दूं। ये सामने जो डायग्राम है ना, इसको आप थोड़ा सा देखिए। तो जब प्रस्ताव में रख रहा हूँ तो आपकी सोच में आ रही है बात, परंतु जब आप इसे जांचने जाते हैं तो बहुत सारा जो आपके अंदर और सोच है वो भी साथ में आपका काम कर रहा होता है। तो जांचने का काम एक बार में ही पूरा हो जाए ऐसा होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उसको जी का देखने भी जाते हैं तो उसमें उभय सुख हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप कई बार वैलिडेट किए बगैर जीने का प्रयास करते रहते हैं, तो ये काम पूरा नहीं हुआ ना। तो जांच पूरी हुई ना, जीने में उभय सुख उभय समृद्धि हुआ। लेकिन सर अगर चेतना की गहराई है तो, जैसे मैंने कुछ और अपना चिंतन और कई जगह मान्यताओं से भी देखा है, पढ़ा भी है, कि चॉइसलेस अवेयरनेस आ जाए अगर ठीक हम है, फिर कभी मैं किसी। इसको मैं एक एक करके आपको क्लियर करते जाता हूँ, है ना, अदरवाइज वो क्लियर नहीं होगा। ये जो आ जाए, समझ हो जाए, ये बन जाए, है ना, ये और जो नहीं आप सर, सुनिए नहीं, सुनिए। चॉइसलेस जैसी स्थिति से गुजरते हैं हम, अगर जैसे राजानंद संस्थान से हम जुड़े हैं तो यहाँ पर एक चलता है, जैसे जिस अल्पविराम कराया है, या यहाँ पर कुछ फ्रीडम ग्लास जैसी चीजें हैं, उनसे हमारे अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और हम ये मान के चलते हैं कि उन चीजों को सीख के हमने बहुत कुछ चीजें सुधार ली, अपने रिश्तों में भी सुधारी और अपनी कुछ नीड भी कम कर पाए, अंडरस्टैंडिंग भी आई, तो आती तो है। लेकिन अगर कहें कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ये संभव मुझे तो नहीं लगता कि आदमी है, धरती पे आया है तो मतलब एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता कि उससे जी, उम्मीद अब की आपको जाए। थोड़ा सुनना पड़ेगा रिस्पॉन्स, अदरवाइज है ना, हम प्रश्न को चाहे जितना भी फैलाएं उसे उत्तर नहीं मिलता। तो मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूं, तो जी आपका कहना यह है कि समझ अभी तक पूरी नहीं हुई आपकी, है ना। नहीं, समझ समझ आ रही है, सुधार हो रहा है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि कंप्लीट सुधार हो जाए वो जी भाई, प्रक्रिया वही में मैं कह अभी रहा था। लग रहे। सुनिए सुनिए, थोड़ा पहले मेरी बात तो सुनिए, अदरवाइज आपको बात समझ में नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं समझ की पूर्णता नहीं हुई, हाँ ठीक है ना, उसी के लिए विधि यहाँ दिया हुआ है कि समझ की पूर्णता कैसे होगी।
तो कोई बात हमारे सामने आती है, उसको कई बार हम उस बात से प्रभावित होते हैं, उस प्रभाव के आधार पर भी अपने अंदर हम कुछ परिवर्तन लाते हैं जी। और वो परिवर्तन मगर सामयिक होता है, जो प्रभाव से होता है। तो अगर हमारे अंदर ये जांचने का काम ना हो पूरी तरह से, उसको जी कर देखने का काम ना हो पूरी तरह से, तो ये समझ भी पूरी नहीं होती। तो अभी इसको आप एक प्रक्रिया के रूप में देखिए, है ना। अभी आपने कोई बात पहले भी सुनी है, आज भी सुन रहे हैं, परंतु ये जांच पा रहे हैं कि नहीं, आप अपनी सहज स्वीकृति को देख पा रहे हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा और शार्पली ऑब्जर्व करें। सर एक और निवेदन कि सहज स्वीकृति से जैसे हम लोग इतने प्रतिभागी जुड़े हैं, तो इसमें राइट लिसनिंग अगर आती है तो शायद हम आपकी पूरी बात सुना। राइट लिसनिंग में मैं पूरी एक एक बात सुन रहा हूँ आपकी, तभी मैं प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगर बिल्कुल प्रश्न आपके वाजिब है, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा उत्तर भी लेना होगा, है ना। तो ये जो जांचने की बात कही गई ना अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर, ये हम जांच रहे हैं या सिर्फ सोच ही रहे हैं, ये देखने की बात है। तो अगर हम जांच ना पा रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, तो एक प्रभाव के रूप में काम करता है, जिसका जो प्रभाव होता है टेम्पररी होता है। तो अभी हमको कोई बात अपील करती है ना, उसको सुनकर सोचकर हम खुश होते हैं, बट कुछ समय बाद कोई और प्रभाव हमारे ऊपर काम करने लगता है। नहीं, हम सोच रहे हैं जैसे किसी से राजीनामा कर लें और राजीनामा करने गए और झगड़ा करें आए। जी मतलब जी जी, हमने सोच लिया, आपकी बात समझ लिया, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए, अदरवाइज ना आपकी बात मतलब फिर जो बात रखने का समय हो कम पड़ जाएगा। मैं अपनी बात चलो आगे रखेंगे सर, ठीक है। तो ये जो जांचने की बात कही जा रही है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और जैसे हम लोग और आगे बात करेंगे आपको और स्पष्ट होगा। जी सर, जी जी कर देखने की जो बात है ना, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जी सर, जी सर, जी। लवेश कुमार जी, लवेश कुमार जी, ठीक है, इस बात को आगे लेके चलते हैं। तो अगर हम समझ की प्रक्रिया को देखें, तो इस स्वयं में जांच परख है, और उसमें दोनों बातें शामिल है। एक तो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के देखना, दूसरा उसको जी कर देखना। जी कर देखते हुए हमें कुछ नए मुद्दे ध्यान में आते हैं, जो हमारी समझ के अभाव से जुड़े होते हैं। फिर हम उसको और जांच के देखते हैं, जांचने पे थोड़ी सी और स्पष्टता तो बनती है, परंतु ये जीने में आएगा कि नहीं, उसको लेकर फिर एक प्रश्न उठता है। फिर उसको जी कर देखते हैं, एक रिकर्सिव प्रोसेस के थ्रू हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं और हमारी समझ बनती जाती है। ये पूरी विधि है। तो ये जो वर्कशॉप है, इस पूरी विधि की शुरुआत है। इसमें आपने काम शुरू किया है, इसमें समय लग सकता है। हमने पहले से कितना इस काम को किया हुआ है, उस पर निर्भर करेगा कि हमें आगे और कितना समय लगेगा। अगर हमने पहले इस काम को बिल्कुल नहीं किया हुआ है, तो काफी लंबा समय लगेगा। पहले से करते आ रहे हैं, तो कम समय लगेगा। फिर मानव की मूल चाहना का उन्होंने बात की, तो ये दिखता है कि मानव की मूल चाहना जो है वो सुख समृद्धि और इसकी निरंतरता है। और सुख का अर्थ समझ में आया कि संगीत यानी व्यवस्था में होना ही सुख है। तो चूंकि व्यवस्था की ही सहज स्वीकृति है हमारे अंदर, और मैं ऐसी सहज स्वीकृत स्थिति में बने रहता हूँ तो मैं सुखी होता हूँ। दूसरी तरफ से अगर कहें तो जिस स्थिति में मुझे बने रहने की सहज स्वीकृति, उसमें बने रहना ही सुख है। वैसे ही समृद्धि को परिभाषित किया, और कल इस पर उन्होंने काफी डिटेलिंग भी की कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक ठीक हो जाए, उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव मेरे अंदर हो जाए, तो मैं समृद्धि महसूस करता हूँ। और यही मानव की मूल चाहना है कि सुख भी हो, समृद्धि भी हो, इसकी निरंतरता भी हो। फिर हमने मानव में संगीत यानी व्यवस्था की बात की थी, और मैं यानी स्वयं और शरीर के संस्कृति के रूप में मानव किस प्रकार से है, उस पर बात की थी। तो ये दिखता है कि मानव मैं और शरीर, मैं ही को स्वयं कह रहे हैं, सेल्फ भी कह रहे हैं, इन दो का सहस्तित्व है। मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। इन दोनों की आवश्यकता बिल्कुल अलग प्रकार की है। शरीर की आवश्यकता सुविधा है, मेरी आवश्यकता सुख है, सम्मान है। मेरी हर आवश्यकता निरंतर है, शरीर की हर आवश्यकता सामयिक है। मेरी जो आवश्यकता है वो इस प्रकार की है कि या तो मुझे जो सहज स्वीकृत है वो चाहिए तो हर क्षण चाहिए, और जो सहज स्वीकृत नहीं वो कभी भी नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए नहीं। जैसे सम्मान का भाव सहज स्वीकृत है, हर क्षण चाहिए। अपमान का भाव सहज स्वीकृत नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं चाहिए। इसे इसको गुणात्मक कहा। अगर हम सुविधा की बात करें तो सुविधा में दिखाई देगा मात्रात्मक है। भोजन चाहिए बट सीमित मात्रा में, कपड़े सीमित मात्रा में, सामयिक रूप से। कोई भी सुविधा अगर देखें तो हमको सीमित मात्रा में सामयिक रूप से चाहिए, ये मात्रात्मक है। मेरी जो आवश्यकता पूर्ति होती है वो सही समझ सही भाव से होती है। शरीर की जो भी आवश्यकता पूर्ति होती है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से होती है। मैं अपनी क्रियाओं की ओर ध्यान दूं तो दिखता है कि मेरे अंदर इच्छाएं हो रही हैं, विचार चल रहा है, आशा बनी हुई है, ये मेरी क्रियाएं हैं। शरीर में क्या हो रहा है, खाना पीना, चलना फिरना, रक्त दौड़ना, हृदय धड़कना, भोजन पचना, सांस लेना, इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं।
और कल बात हुई थी, ये सारी क्रिया को देखे तो सामयिक है, रुक रुक कर है, इसमें बारंबारता है बट निरंतरता नहीं है। तो बारंबारता होना और निरंतरता होना दो अलग चीजें। मैं अपनी क्रियाओं को देखूं तो इसमें निरंतरता दिखाई थी, विचार निरंतर चलते रहते हैं, इच्छा निरंतर बनी रहती है, आशा निरंतर बनी रहती है। शरीर की क्रियाओं को और बारीकी से देखें तो जो उसकी निर्वाह प्रक्रिया है उसमें दिखाई देगा कि उसमें सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है। अगर हम अपनी ओर ध्यान दें तो दिखाई देगा कि मेरी जो निर्वाह प्रक्रिया है उसमें पहचाने निर्वाह करने के साथ साथ मानने की भी क्रिया हो रही है, और मेरे में जानने की क्षमता भी है, मेरे में जानने की क्षमता भी है। तो ये जो जानना मानना है चैतन्यता की पहचान है। जानना मानना मैं में तो है, सेल्फ में है, स्वयं में है, शरीर में नहीं है। ये भी दिखता है कि मानना अगर निश्चित हो जाता है तो हमारा पहचाना निर्वाह करना भी निश्चित हो जाता है। और मानना निश्चित कैसे होता है? जानने से निश्चित होता है। और जानना मतलब समझना, सही समझ इंश्योर करना, और ये काम सेल्फ में होना है, बॉडी में नहीं। तो मैं को चैतन्य इकाई कहा, शरीर को जड़ इकाई कहा। जड़ का मतलब सिर्फ पहचाना निर्वाह करने की क्रिया है, चैतन्य का मतलब उसमें जानना मानना भी है, पहचाना निर्वाह करना भी है। मानव को मैं और शरीर के सहस्तित्व के रूप में समझना बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इसके साथ ही फिर बाकी बातें, आगे की बातें समझ में आती हैं। तो अपने को दिखता है कि जो प्रचलन में एक भ्रम है वो ये है कि अपने आप को शरीर मान लिया। तो जो शरीर की आवश्यकता है सुविधा, जैसे भोजन कपड़ा, इसी से मैं की आवश्यकता को पूरा करने गए। अभी तो समझ में आने वाली बात है कि मेरी आवश्यकता निरंतर है, सम्मान निरंतर बनी रहती है। जो भी सुविधा होगी वो सीमित होगी, सामयिक होगी। तो एक सामयिक सीमित वस्तु निरंतर आवश्यकता कैसे पूरा करेगी? तो फिर लगता है उसको असीमित बनाना पड़ेगा। यही मुख्य कन्फ्यूजन है। यही अगर देखें तो समाज में जो सुविधा संग्रह की समस्या बनी हुई है, बिना उसकी सीमा को पहचाने, है ना, इससे दृढ़ता का भाव आ जाता है। उसका मूल कारण अगर देखें तो यह है कि हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं, इसलिए सुविधा को सुख मान के जी रहे हैं, इसलिए सुविधा के अनंत संग्रह में व्यस्त हो गए, और एक कुचक्र बन जाता है, है ना। जैसे हमको लगता है कि असीमित संग्रह करना होगा तो अभाव मेरे अंदर बना रहता है, और ये लगता है कि कभी पर्याप्त नहीं होगा, और फिर हम सुविधा के लिए और प्रयास करते हैं, फिर भी वो सीमित ही रहता है, और ये कुचक्र में फंस जाते हैं। इस चीज़ को बार बार अपने अंदर देखने की जरूरत है कि कहीं मैं इसमें, है ना, निकल पा हूँ या इसमें कहीं मैं उलझ जा रहा हूँ। फिर हमने स्वयं में संगीत यानी व्यवस्था की बात की, और अपनी ओर ध्यान देते हैं तो दिखता है कि मेरे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है। उस कल्पनाशीलता की कोई वस्तु है, जो कल्पनाशीलता की वस्तु होती है वही मेरे व्यवहार और कार्य को निश्चित करती है, और ये सब कुछ जो कल्पनाशीलता है मेरे अंदर हो रहा है, शरीर के स्तर पर व्यवहार कार्य हो रहा है, और मेरा और शरीर के बीच का जो सहअस्तित्व है वो सिर्फ सूचना का आदान प्रदान के रूप में है। शरीर से मुझे एक सूचना मिलती है संवेदना के रूप में, मैं निर्देश देता हूँ शरीर को कुछ क्रिया करने के लिए। ये भी दिखता है कि जो मेरे अंदर कल्पनाशीलता की वस्तु है उसके तीन स्रोत हो सकते हैं, एक तो कोई मान्यता हो, एक कोई संवेदना हो, और तीसरा एक स्रोत हो सकता है जो मेरी सह स्वीकृति है। तो जब भी मैं संवेदनाओं के आधार पर कोई कल्पना करता हूँ और उससे अपना कार्य व्यवहार तय करने जाता हूँ तो मैं परतंत्र होता हूँ, क्योंकि इसमें न तो सुख की निश्चितता है न निरंतरता है। इस संवेदना अपने आप में कोई बाधा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि तो संवेदना के माध्यम से ही तो मैं शरीर के साथ अपने सहअस्तित्व को पहचान पाता हूँ। तो संवेदना के मेजर रूल है, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं स्लाइड को देख रहा हूँ, एक संवेदना के रूप में ये सारे शब्द मुझ तक पहुँच रहे हैं, नहीं इसी संवेदना के माध्यम से मेरी भाषा आप तक पहुँच रही है, इसी संवेदना के माध्यम से ये चित्र आप तक पहुँच रहा है। तो संवेदना का एक मेजर रूल है, परंतु जब मैं इस संवेदना से सुखी होने जाता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ, तो मैं परतंत्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी निर्भरता है शरीर के ऊपर सुख पाने के लिए, और इसमें शरीर दिखता कि सामयिक है, शरीर की हर क्रिया सामयिक है, हर आवश्यकता सामयिक है, तो निरंतर सुख तो हो नहीं सकता। जब मैं इस मान्यता से सुखी होने जाता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि जो मान्यता है ये बोरोड है, मैंने जांचा नहीं है, इसको जी कर देखा नहीं है और सही मान लिया है, जब जीने जाता हूँ तो इसमें फंस जाता हूँ, ये भी एक परतंत्रता है। परंतु जब मुझे ये स्रोत अपने अंदर दिखाई देता है ना, सह स्वीकृति का, और मेरी कल्पनाशीलता इससे गाइडेड रहती है, तो मैं स्वतंत्र होता हूँ। तो मेरी जो परतंत्रता है
है ना, नहीं रह जाती, जो मेरे बाहर की ओर निर्भरता है नहीं रह जाती। इसी प्रक्रिया से चलते हुए, जांच परख की प्रक्रिया से चलते हुए एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें हमारे में समझ की पूर्णता हो जाए, और अगर ऐसा हो पाता है तो फिर समझ के आधार पर मेरे अंदर कल्पनाशीलता पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाती है। ये जो परतंत्रता थी वो चली गई, अब मैं जैसा हूँ और जैसा मुझे होना सहज रूप से स्वीकार है, इन दोनों में एक लय बन जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं रहता, कोई गैप नहीं रहता, ये वांछित स्थिति है। परंतु इस क्रम में जितना भी आगे बढ़ता है उतना हमारा जीवन सुख बढ़ता है, उतना संबंध का भाव बढ़ता है, उतना व्यवस्था में भागीदारी बढ़ती है ना, इतने हमारे साथ के लोग हमारे व्यवहार से, कार्य से, भागीदारी से ना सुखी होते हैं, प्रकृति बेहतर होती जाती है। तो ऐसी स्थिति ही हमारी बेसिक एस्पिरेशन है, हमारी मूल चाहना है, जिसको हमने सुख कहा, संगीत में व्यवस्था में जीना था। इसके बाद हम लोगों ने मैं और शरीर के सहस्तित्व की बात की और उससे दो चीजें और स्पष्ट हुई, समृद्धि और स्वास्थ्य। तो जब ध्यान देते अपनी ओर तो दिखता है कि मैं शरीर के प्रति जब जिम्मेदार होता हूँ तो तीन प्रकार से जिम्मेदारी लेता हूँ, पोषण की जिम्मेदारी, संरक्षण की जिम्मेदारी, सदुपयोग की जिम्मेदारी। पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है, संरक्षण के लिए कपड़े और मकान की आवश्यकता है, सदुपयोग के लिए साधनों की आवश्यकता है। ये भी देखता है कि शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन तीनों अर्थ में जो भी सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है, भोजन सीमित मात्रा में, कपड़ा सीमित मात्रा में, मकान सीमित मात्रा में, साधन सीमित मात्रा में, इसकी सीमा और ठीक से पहचान आती है, इसको हम अपने स्तर पर देख सकते हैं। अभी हम क्या भोजन की आवश्यकता को ठीक ठीक सीमा के अंदर पहचान पाते हैं क्या, कपड़े और मकान की सीमा को पहचान पाते हैं क्या, साधन की सीमा को पहचान पाते हैं क्या। जब मेरे अंदर ऐसा जिम्मेदारी का भाव होता है तो शरीर मेरे अनुसार कार्य कर पाता है। शरीर के बारे में दिखे, शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है, और जब हम संयम के भाव के साथ जी रहे होते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, शरीर मैं के अनुसार कार्य कर पाता है और उसके अंग प्रत्यंग के बीच सामंजस्य व्यवस्था बनी रहती है। अब इससे दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, एक तो समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम होगा, दूसरा स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम होगा। तो ये जो मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, इसको समझने से दोनों निष्कर्ष निकल पाते हैं। और अभी देखिए तो आदमी बहुत फंसा हुआ है इसमें, समृद्धि को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी। तो समृद्धि के बारे में दिखता है कि सुविधा की सीमित निश्चित आवश्यकता की पहचान हो जाए, उससे अधिक मेरे पास उपलब्ध हो जाए, उसमें भी आवश्यकता की पहचान दिखता है, पहली वरीयता है जो सही समझ से होगी। और अधिक उपलब्धि का भाव कैसे आएगा, इसलिए उत्पादन करना होगा है ना, भौतिक रासायनिक वस्तुओं का, उसके लिए मुझे सही हुनर चाहिए, तो मुझे समृद्धि का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। और ये भी दिखता है कि यदि मैं समृद्धि महसूस करता हूँ तो मैं दूसरे का पोषण करने की सोचता हूँ, सदुपयोग करने की सोचता हूँ। अगर मैं दरिद्र महसूस करता हूँ तो मैं संग्रह करने की सोचता हूँ, दूसरे का शोषण करने की सोचता हूँ। ये ठीक है, इतने को लेकर कोई प्रश्न बना हो अभी तक तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। फिर हमने शरीर में स्वास्थ्य की बात की और उसके लिए कार्यक्रम दिखता है कि ये तीन प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं, यानी वरीयता के हिसाब से देखें, अदरवाइज चार प्रकार से हो सकते हैं। तो जो मुख्य कार्यक्रम है वो ये है कि मैं अपना आहार विहार और श्रम, इसका ध्यान रखूं। अगर इससे बात पूरी ना पड़े तो व्यायाम कर सकते हैं, आसन प्राणायाम कर सकते हैं, ये मूल कार्यक्रम है स्वास्थ्य के लिए। इसको करते हुए अगर कहीं अस्थायी रूप से शरीर में कोई अव्यवस्था हो जाए तो वापस लाने के लिए औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कोई बड़ी अव्यवस्था हो जाए तो उसके लिए हम उपचार कर सकते हैं, और आखिरी विकल्प है शल्य, सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हम प्रायोरिटी ग्रुप में देखें तो ऐसा दिखाई देता है। इसका एक सामान्य सा निष्कर्ष है कि शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है। तो इतनी बात हम लोगों ने की, इस पर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग परिवार में व्यवस्था पे बात करेंगे। जी दिनेश कश्यप जी। सर जी अनम्यूट हो गया हूँ सर। हाँ हाँ हो गया। सर आपने कल भी कहा था, मैं कल कम से कम 5-6 बार मैंने हैंड रेज किया था, आज भी मैंने इसीलिए तुरंत कर दिया, और मैं सोच भी रहा था छूट गया, लेकिन फिर मौका मिल गया मुझे। ये दरिद्रता का जो भाव है, दरिद्र शब्द जो है, तो ये बहुत ही व्यापक शब्द है सर, मेरी समझ में जो आ रहा है, मतलब ये है कि हम जितना भी फैलाव कर रहे हैं, मतलब पुरातन काल में हम बिल्कुल नेचर के साथ रहते थे, उसी के साथ ही रहते थे, यहाँ के शेरों के साथ, गायों के साथ, सब एक साथ रहते थे। ये आपको भी पता है, मुझे पता है, और जिन जिनको इच्छा थी उनको भी पता है,
जिनको जानने की इच्छा नहीं है तो उनको तो पता ही नहीं होगा। तो वहां से चलते 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 हम अभी आपने बताया कि हम वहां आ गए कहाँ, बीबी बच्चे पर। और अब तो मैं जो देख रहा हूँ कि पत्नी की अलग मोबाइल पे दोस्ती है और पति की अलग मोबाइल पे, उसका संसार अलग है, उसका संसार अलग है। देखने के लिए रह रहे हैं कि कमरे में, लेकिन उनकी दुनिया दोनों की अलग है, बच्चों की दुनिया अलग है। ये भी स्थिति शुरू हो गई है जो मैं देखता रहता हूँ। मतलब आप तो पता नहीं देखते कि नहीं, क्योंकि मैं तो सबके बीच रहता हूँ, सब प्रकार की लाइफ जीता हूँ, हर प्रकार की सब देखता रहता हूँ, आनंद लेता रहता हूँ बच्चों बन के। तो सर मतलब कहने का ये हुआ कि सारे दरिद्रता बढ़ती जा रही है, मेरा मूल भाव ये कहना है कि दरिद्रता बढ़ती जा रही है। और आपने सही समय पर जब ये बताया है, ये मतलब मेरे को तो सुनने पे बहुत अच्छा लगा कि वो चीज पहले महसूस जरूर करता था, लेकिन मैं कहीं गुमसुम रहता था, मतलब दिखाई नहीं देता था अंधेरे में। लेकिन अभी सामने दिख रहा है कि हम वास्तव में दरिद्र हैं, और अत्यंत दरिद्र हैं, अत्यंत दरिद्र, मतलब बहुत ही ज्यादा दरिद्र, और अब तो और बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही कम है सर, मतलब जो अपन कर रहे हैं ये बहुत ही कम है। तो इसका कुछ क्रांतिपूर्ण कुछ काम करने के लिए सर सहयोग, जैसा भी सहयोग चाहिए, भले वोटिंग हो या कुछ भी हो, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए और उसको मीडिया के माध्यम से सब समझाया जाए सर, बस यही निवेदन मेरा जी। बहुत अच्छा। देखिए सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर जितना ठीक से काम करेंगे ना, उतना हम अपने संबंधियों के ऊपर भी काम करेंगे। जी 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 सर, वो तो बिल्कुल आपका जो आदेश है वो निवेदन पूर्ण कह रहा हूँ कि मैं करूंगा इस चीज को, लेकिन मैं मतलब मेरे अंदर ये भी जो फीलिंग थी वही बोलती मैंने, थैंक यू सर। जी जी बहुत अच्छा। ज्योत्सना जी ने हैंड रेज किया है, तो संक्षेप में आपके प्रश्न को ले लेते हैं। जी सर, मैं ज्योत्सना मालवी, सर सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जी सुन पा रहा हूँ। जी सर, सभी को नमस्कार। सर जैसे कि अभी सर ने बताया, आप बताया कि वाकई में हम लोग एक शरीर रूप में या एक मानव बहुत गरीब या दरिद्र होते जा रहे हैं, लेकिन सर ये इन दो सालों ने, कोरोना काल के इन दो सालों ने इस दरिद्रता को कई लाखों गुना बढ़ा दिया है। अब जैसे किसी हाउसवाइफ की बात करें या घरेलू महिला की बात करते हैं तो उसे उतना काम नहीं है, लेकिन घर में परिवार को समय दे पाती है, लेकिन अगर एक वर्कर लेडी है तो उसे तो अपने जीवन का 70% तो ऑनलाइन काम में ही लगी हुई है। पहले चलो समय के घंटे निश्चित होते थे कि हम ऑफिस में काम करके आए, बाकी का टाइम हमारा फैमिली टाइम हो गया, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। सरकार इतने सारे काम और बोझिल बनाती जा रही और सारी चीजें ऑनलाइन मतलब मांगती मतलब चाहती है, तो अब हम अपना स्वयं का अस्तित्व ही खो जाएगा, ऐसा डर लगता है सर मुझे। तो सर सही, सर ने अभी सही क्वेश्चन उठाया कि आप सच में इस राह पर हमें मार्गदर्शन बताओ कि हम कैसे खुद को मैनेज करें ताकि परिवार को मेंटेन मतलब मैनेज करें, संबंधों को संभाल के रख पाए और उतने आर से संभाल के रख पाए। जी अभी जो संबंध पे बात करेंगे तो ये और स्पष्ट होगा। सुविधा पर उन्होंने काफी बात की, तो उसमें मेजर भाग तो ये है कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान हमको ठीक से हो जाए। संबंध पे जब और बात करेंगे तो आपने जो प्रश्न किया ना उस पर और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं परिवार की व्यवस्था पर। तो मानव के मूल चाहना निरंतर सुख समृद्धि है, इस पर तो बात हुई है ना, और हम लोग इस पर देख पाए कि चार स्तर पे जीते। आज हम लोग परिवार की व्यवस्था बात शुरू कर रहे हैं। विधि वही है कि प्रस्ताव के रूप में लेते हुए इसको जांचना है, जी कर देखना है, जिससे आपको स्पष्ट होगी परिवार में मेरी क्या भागीदारी हो। तो संबंध में जांच पर क्या आवश्यकता, मैंने डे वन पे बात किया था कि जो परिवार में समस्याएं हैं वो संबंध के अभाव में ज्यादा है, ना कि सुविधा के अभाव में ज्यादा है। तो हमने जांच पर की कि क्या हम संबंध को समझे बिना संबंधों में जी सकते हैं, संबंधों में निर्वाह करने के लिए संबंध की समझ का होना आवश्यक है, ये निष्कर्ष हम लोग ने निकाला था पहले दिन की चर्चा में। और ये भी जांच पर किया था कि हमारे परिवार में जो दुख है वो सुविधा कमी कारण अधिक है या संबंध में निर्वाह ठीक से न होने कारण अधिक है, और निष्कर्ष ये था कि संबंध का निर्वाह ठीक न होने से अधिक है। तो परिवार में मुख्य मुद्दा संबंधों का है, सुविधा और शरीर का उपयोग एक साधन के रूप में किया जाता है संबंध के निर्वाह के अर्थ में।
तो जब तक हम मानव को शरीर मानते हैं तब तक संबंध को समझना संभव नहीं है, और संबंध को समझे बिना संबंध का निर्वाह कर पाना संभव नहीं। तो जो बात अभी भी मैं कह रहा था कि जब तक हम मानव को मैं और शरीर के अस्तित्व में ठीक ठीक ना देख लें, ना समझ लें, तब तक संबंध को भी ठीक ठीक समझा नहीं जा सकता। और ये आपको और स्पष्ट होगा जब हम लोग संबंध को बारीकी से देखेंगे। हम संबंधों को शरीर के आधार पर मानते हैं और शरीर के आधार पर ही संबंधों में निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, और यह काम नहीं करता अच्छी चाहनाओं के बावजूद। अब हम इस पर स्पष्टता के साथ कि मानव मैं यानी स्वयं का और शरीर का अस्तित्व है, इस संबंध को जांच परख करने का प्रयास करेंगे। तो संबंध की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो दिखाई देगा कि संबंध है, ये कोई मानने की बात नहीं है। हम संबंध को स्वीकारे ना स्वीकारे संबंध बना ही रहता है। जैसे हो सकता है परिवार में कोई अनबन हो जाए, कोई बात हो जाए और आप एक दूसरे से बातचीत बंद कर दें, उससे संबंध चला गया ऐसा नहीं है, संबंध बना रहता है भले निर्वाह अलग प्रकार से हो रहा है। तो संबंध एक वास्तविकता है ही। संबंध उनके साथ भी है जिनके साथ रोज जी रहे हैं, उनके साथ भी है जिनसे हमारा कभी कभी संपर्क होता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और आप उस पूरे बे में किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते जो 8 लोग आपके साथ स्लीपर कोच में है या इसी कोच में, किसी को नहीं पहचानते, परंतु आप घर से कोई टिफिन लाए हैं और आपको उसे ओपन करके खाना है, तो आपको थोड़ा संकोच तो होता है दूसरे के सामने ओपन करके खाने में, और आप पूछ भी लेते हैं कि आपने भोजन लिया नहीं, साथ लेंगे या नहीं। कोई बच्चा हो तो आप पहले कुछ निकाल कर देते हैं उसको कि आप भी खा लो, यानी कि उनके साथ एक संबंध तो बना ही हुआ है भले आप उनसे कोई परिचित ना हो। इसको लेकर एक प्रश्न ले लेते हैं आपसे। तो मुझे लगता है कि संबंध जो है एक मैं और दूसरे मैं के बीच है, या संबंध एक शरीर और दूसरे शरीर के बीच में, क्या लगता है आपको? तो संबंध मैं का मैं से है या संबंध शरीर का शरीर से है? इतने को लेकर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं। जी ज्योत्सना जी। जी सर नमस्कार, मैं ज्योत्सना सूद दिल्ली से। मेरा ऐसा मानना है संबंध वही अच्छा चल सकता है जो मैं का मैं से हूँ, मैं ऐसा समझ सकी। उसको और बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि संबंध तो मैं का मैं से ही होता है, दोनों के लिए शरीर साधन के रूप में काम करता है। जी लेकिन ये पता नहीं है ना कि जो सामने वाला है वो मैं अंदर से हमें महसूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। जब तक महसूस नहीं करेगा वो मैं से नहीं ना जुड़ पाएगा, मैं ऐसा सोच। जी जी आगे जो बात कहेंगे उससे बात और निकल कर आएगी। ठीक बात है, थैंक यू। निधि चतुर्वेदी जी। जी सर, सर अभी आपने जैसे बोला कि एक मैं और शरीर का अस्तित्व ही मानव है, फिर सर ये दो मैं कहाँ से आ गए सर? कि मतलब दूसरों के साथ संबंध की आप बात कर रहे हैं, जैसे आप एक मैं हैं, मैं एक मैं हूँ। यस है ना, जैसे अभी आप हमसे कुछ प्रश्न कर रही हैं तो यहाँ एक संबंध तो है। यस सर, अभी मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, हम सबका आपस में संबंध है, आपकी बात को दूसरे साथी सुन रहे हैं उनसे भी आपका एक संबंध है, तो संबंध तो है ही ना एक मैं का दूसरे मैं से। बट सर इफ वी आर नॉट कनेक्टेड इन फिजिकल सिचुएशन, यदि मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा कभी भी, तो क्या मेरा उसके साथ संबंध हो सकता है सर? क्यों नहीं, जैसे आप जो बात कह रही हैं, जैसे आपकी कोई बात कोई शब्द आपका गलत निकल रहा है ना, तो इतने सारे लोग हर्ट होंगे नहीं होंगे? यस, तो इनसे एक संबंध है तभी तो हर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई और व्यक्ति कोई बात कहता उसकी बात कोई हर्टिंग होती तो शायद है ना आपको ठीक नहीं लगता। एक संबंध है तभी तो हम हर्ट होते हैं, संबंध है तभी तो एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं। जी विनीता जी। विनीता जी उसके बाद अरविंद जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा ऐसा सोचना है कि शरीर का शरीर से संबंध है, क्योंकि मैं तो तब आता है जब हम उससे कोई तादाद में स्थापित करते हैं। उसके पहले अगर हम किसी को देखकर अपना कोई रिएक्शन देते हैं, अपनी कोई बात उसके या मतलब उसको कोई इंगित करते, किसी प्रकार से उसको महसूस करवाते अपनी उपस्थिति होना, तो एक संबंध तो स्थापित होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस संबंध में तादाद में बने या ना बने। जैसे सर इसके
इसके सिलसिले में मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगी सर, कि शाम को सामान्य रूप से मैं घूमने जाती हूँ, वहां पर कई लोग मिलते हैं और कई बार मैं उन लोगों को देखती भी हूँ, तो दृष्टि से मेरा उनका संबंध बनता है, वो मुझे देखते होंगे, मैं उनको देखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कल घूमते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक छोटा सा बच्चा बैठा था, बड़ी प्यारी पोजिशन में था, और मैंने उसको अनायास ही हाथ हिला दिया, स्माइल दी, वो भी मुझे देख रहा था, जबकि उसका और मेरा मैं से कोई तादाद में नहीं था, किसी भी प्रकार से कोई संबंध हम लोगों के बीच में नहीं था, बट उसने मुझे देखकर स्माइल किया और मैंने उसको देख के जब हाथ हिलाया तो मेरे वहां से गुजर जाने के बाद, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, करीब साल एक भर का रहा होगा, तो वो मेरे निकल जाने के बाद में उसने मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि शरीर का शरीर से भी जो संबंध है वो प्रगाढ़ होता है। थैंक यू सर जी। अब ये दो अलग बातें हुई, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, तो जैसे उस बच्चे को देखा आपने, उसके शरीर को देखा है ना जी, बट ये जो बच्चे को देखकर आपके द्वारा हाथ हिलाने का निर्णय था, वो किसने लिया? मैंने लिया, शरीर ने लिया? सर मैंने लिया होगा डेफिनेटली, है ना। उसने भी जो स्माइल दिया, स्माइल देने का निर्णय किसने लिया, मैंने या शरीर ने? ऑब्वियसली सर, हाँ बिल्कुल, हाँ सर, वो पर संबंध को पहचाना किसने, मैंने या शरीर ने? मैंने पहचाना, मैंने पहचाना, तो ये तो पहचान। लेकिन लेकिन सर शरीर उसके रिस्पांस करता है, तो है मतलब चाहे संबंध मैं से मैं का रहे, लेकिन रिस्पांस करने का काम तो शरीर का ही होगा। वही तो, शरीर एक साधन के रूप में काम करता है जी ना? जी, उनको देखकर आप स्माइल दे सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, गोद में जाके उठा सकते हैं, ये निर्णय तो सारा मैं लेगा, निर्णय लेने वाला काम तो मैं कर रहा है ना जी, साधन के रूप में शरीर काम कर रहा है। यस सर, कि नहीं? थैंक यू सर जी। सुनीता जी, सुनीता जी ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। हेलो सर, जी जी बताएं सुनीता जी। हाँ सर, संबंध तो मैं का मैं से ही होता है सर, और शरीर जैसा कि आपने बताया सिर्फ एक माध्यम होता है, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि उन्होंने बच्चों को देखा तो उन्होंने उसको हाई करने की उसकी इच्छा हुई, तो वो उसका बच्चे का शरीर तो उनके लिए माध्यम ही रहा ना सर, क्योंकि उनका उन्होंने निर्णय तो स्वयं लिया कि मुझे उस बच्चे से बात करना है, और कहीं ना कहीं उस बच्चे ने मैडम को देखकर भी अगर उसके चेहरे पे स्माइल आई तो कहीं ना कहीं उसका मन भी मैडम के का कुछ देखकर निर्णय लिया होगा कि मुझे स्माइल देना है, भले वो बच्चा है लेकिन निर्णय तो लेता है सर, चाहे वो उनका पोस्चर देख के, चाहे उनके कपड़े देख के या स्माइल देख के उसने हंसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी आप देखिए ना, इस क्षण में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? हाँ सर, तो कहीं ना कहीं संबंध तो मैं का मैं से ही होता है सर। प्रश्न तो आपके अंदर बन रहा है ना, उत्तर भी आप ही ले रही है, शरीर एक साधन के रूप में बोलने का सुनने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ठीक बात, थैंक यू सर। उषा व्यास जी, उसका जेपी आनंद जी। जी सर, सर मैं ये कह रही हूँ कि मैं का मैं से संबंध होता है शरीर साधन, ये बात समझ में आ गई, बट कई बार मैं कुछ और कहता है शरीर कुछ और कहता है, तो विरोधाभास भी होता है कई बार, जैसे किसी को हम स्माइल दे रहे पर उस अंदर से विचार कुछ और चल रहे हैं कि अरे ये बहुत बुरा आदमी है, पर ऊपर से हम उसको स्माइल दे रहे और बाय कर रहे और हाथ मिला रहे, तो ये विरोधाभास भी होता है शरीर साधन के रूप में तो है, पर शरीर पॉजिटिव दिखा रहा है वहां पे इशारा, पर मन में कुछ और चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? भाई तो क्या हुआ, दो चीजें चल रही हैं, एक तो आपके सामने सही भाव प्रस्तुत हो ये एक विचार है, और अपने स्वयं में सही भाव विचार नहीं चल पा रहा ये एक दूसरी बात है जो इससे जुड़ी हुई है, तो कई बार हम जो अभिव्यक्त होते हैं तो किसी एक भाव को चुनकर अभिव्यक्त होते हैं, अंदर में दूसरा भाव भी कुछ चल रहा होता है,
तो उसका मतलब तो ये हुआ कि भाव की निश्चितता नहीं है। ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये अगले व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। तो भाव की निश्चितता के लिए समझ की पूर्णता की जरूरत है, उस पे काम करेंगे, अपने लिए भी काम करेंगे, अपने संबंधी के लिए भी काम करेंगे। जी सर, अपनी तरफ से तो मान लो अच्छा पॉजिटिव भाव अपने बना लिया, पर सामने वाले का नहीं है और हम समझ रहे हैं वो हमें। अभी ये जो विश्वास की बात हम लोग करेंगे ना, तो आपके इस प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर मिलेगा फिर वहां पर। जी जी, थैंक यू। ओके जेपी आनंद जी। यस सर, सभी को नमस्कार। सत्र अच्छा चल रहा है। इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बात सही है, संबंध मैं का संबंध मैं से है, शरीर का भी उसमें हिस्सा रहता है, परंतु जो ब्लड रिलेशंस रहते हैं वो तो संबंध हैं, निश्चित हैं। जो अनजान लोग रहते हैं, एग्जांपल दिया ट्रेन का सफर का, या अपन जनता में लोग से मिलते हैं ना, तो सारे लोग एक दूसरे संबंध नहीं बन पाते हैं वो लोगों में, जब तक इच्छा शक्ति नहीं हो। या आवाज आपकी बहुत धीमी हो गई। हेलो। दो लोगों में जब सकारात्मक सोच रहता है जब, तब जाके संबंध बनते हैं। देखिए, अब आप निर्वाह की बात कर रहे हैं, तो निर्वाह हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार से करते हैं। जी जी। परंतु एक संबंध हमको हर व्यक्ति के साथ दिखाई देता है। संबंध वही बनाता है या वो रिसीव करता है जो सकारात्मक सोच रखता है। इसमें सोच का बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई भाई देखिए, अभी दूसरे को सुनकर देखकर उसे बात करना भी संबंध है, देखकर मुंह घुमा लेना भी संबंध है, ना देखे है ना, मतलब देखकर भी अनदेखा करना भी संबंध है। तो ये बात आपको समझ में आएगी, अल्टीमेटली रिलेटेड तो हम हैं ही, निर्वाह चाहे जैसे भी करें। ओके ओके, ठीक है जी। भूमिका जी। सर, सर मैं कुछ एक बार मेरे ही प्रश्न के बारे में एक बार फिर बात करना चाहती हूँ सर आपसे। जी सर, मेरा ये जैसे आपने मुझे बताया कि मैं का मैं से संबंध हो रहा है, लेकिन कई बार रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आप अनचाहे बिना मतलब सोचे समझे ही रिएक्ट करते हैं। जैसे बच्चे के साथ मैंने किया था, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया था उस समय, बस मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको हाई किया या जो भी उसके साथ रिएक्ट किया, तो उसमें मैं कहाँ जागृत हुआ? क्योंकि अगर जब तक मैं जागृत नहीं होता तब तक तो वो अपने अस्तित्व में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसे कैसे माने या कैसे समझे कि मैं के द्वारा आदेशित किया हुआ है ये? भाई ये तो अपने बारे में भी देखें कि जो भी आप निर्वाह करती हैं उसमें निर्णय किसका होता है, मैं का या शरीर का? सर कई बार हम लोग ये तो समझ में आता है कि रिस्पांस शरीर कर रहा है, मैं के द्वारा हमको इंगित किया जाता है, मस्तिष्क हमको संदेश देता है कि ये काम करो, इस तरह से करो, इससे बात करो, ये हम लोग सब मानते हैं, लेकिन कई बार रिफ्लेक्स एक्शन होता है या कई बार अचानक प्रतिक्रिया होती है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे ये मैं का एक गहरा अभ्यास होता है। Okay. जैसे किसी ने आपको देखकर हाथ जोड़ा जी, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन आप कहते हैं उसको, उस रूप में आप भी हाथ जोड़ देते हैं जी, हाँ है ना, परंतु आपके अंदर एक स्वीकृति पहले से बनी हुई है, एक मानना पहले से बना है, कोई हाथ जोड़े आपके सामने तो आप भी हाथ जोड़ो जी, है ना। अगर हमको ना समझ में आए वो बात, हमको लगता है रिफ्लेक्स एक्शन है, अदरवाइज देखें तो गहरी स्वीकृति है आपके अंदर किसी रूप में। जी सर, ठीक है ना। तो सर इसके लिए जैसा आपने बताया कि यह एक अभ्यास या गहरा अभ्यास होता है, तो क्या हम इसको समझ सकते हैं अपने विवेक से? बिल्कुल, इनफैक्ट वो जो कल बात हो रही थी कि अपने अंदर हम देखें तो कल्पनाशीलता के तीन स्रोत होते हैं जी, तो कई मान्यताएं ऐसी होती जो सही भी हो सकती हैं, जो काफी गहरी हो जाती है। ओके। जैसे एक हमारे देश में है कि भाई जब आप कुर्सी पे बैठे हैं किसी के सामने तो पैर अंदर की ओर कीजिए, बाहर की ओर मत कीजिए। जी हाँ। तो जैसे ही बैठते अनायास पैर अंदर की ओर खींच लेते हैं जी, है ना, एक गहरी स्वीकृति है उसकी, एक मान्यता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है जी, जो सही के अर्थ में भी है परंतु एक मान्यता के रूप में बना हुआ है, तो वो हमको लगता है रिफ्लेक्स एक्शन है। या कोई हमसे बड़ा आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, तो हम देखकर तुरंत कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं या बैठ। बिल्कुल सही। तो एक गहरी स्वीकृति बनी हुई इसके लिए, वो लगता है रिफ्लेक्स एक्शन है, बट अल्टीमेटली देखें तो वो सेल्फ में ही, इमेजिनेशन में है ना, मानने के रूप में। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो ज्यादातर लोगों ने कहा है कि संबंध है एक मैं का दूसरे मैं के साथ। अब और थोड़ा सा देखते हैं तो दिखाई देगा संबंध में भाव है, वो भी एक मैं, जिसको अगर मैं वन कह लें, मैं दूसरे मैं यानी मैं टू के लिए। तो दो मनुष्य के संबंध की बात करें, एक को कहें मैं वन, दूसरे को कहें मैं टू, तो इस संबंध में भाव भी है। इसको लेकर भी एक प्रश्न लेते हैं आपसे कि भाव है या नहीं है।
क्या हम निश्चितता के साथ भावों के बारे में बात कर सकते हैं? जो संबंध में भाव होते हैं एक दूसरे के प्रति, क्या उनकी निश्चितता के साथ बातचीत हो सकती है, उनको समझा जा सकता है, उनको जांचा जा सकता है, उन पर संवाद हो सकता है? इसको ऑब्जर्व करिए। जी कमल सिंह जी, कमल सिंह जी, दिनेश कश्यप जी, सर 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 ये जड़ और चेतन, तो चेतन में पशु भी आएंगे ना सर? अभी रुकते हैं, रुकते हैं, अभी मानव की बात कर लें, फिर शेष प्रकृति को समझने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, अब वो रहने दो, फिर वो मेरा प्रश्न खत्म हो गया। आप उसको लिख के रख लीजिए, प्रश्न आपका उचित है परंतु सर याद रहेगा सर। थैंक यू जी। जी ठीक है, तो ये बात कही जा रही है कि संबंध में भाव हैं, है ना। अब ये तय करने की बात है कि क्या ये भाव निश्चित हैं, इनके बारे में निश्चितता से बात हो सकती है क्या? ज्योत्सना जी कुछ कहना चाह रही है। जी नमस्कार सर, मैं ज्योत्सना सूद। मुझे लगता है कि भाव निश्चित नहीं होते हैं, वो समय, वातावरण और के अनुसार बदलते हैं, आई थिंक ऐसा। तो और फिर हम उसकी चर्चा भी अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ऐसा मैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो भाव की बात हो रही है, ये सहज स्वीकृत भावों की बात हो रही है, तो क्या जो सहज स्वीकृत भाव हैं ये भी अनिश्चित हैं या निश्चित हैं? सहज, अब कौन सा भाव है उसको किस तरीके से स्वीकार करना है ये डिपेंड करता है ना, भाव के अनुसार ही स्वीकार कर पाएंगे ना। जैसे कोई एक भाव बताइए जो सहज स्वीकृत लगता है आपको, जो उस भाव को आप सहज से स्वीकारती हैं। जैसे एक हम भाव ले लें कि हमें, हमारे सामने कोई बड़ा आया है, मान लीजिए मेरे फादर इन लॉ आए हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी, या मेरे पिताजी आए हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी, ये एक भाव मेरे अंदर है तो मैं ऑटोमेटिकली करूंगी। जी जी, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो सम्मान का भाव। जी सम्मान का भाव। जी तो क्या लगता है सम्मान के भाव को समझा जा सकता है? हाँ, इस भाव को तो समझा जा सकता है, लेकिन कुछ भाव ऐसे आते हैं जो सामयिक आते हैं, तो उन पे हम चर्चा कैसे कर सकते हैं? जैसे जैसे अब मैं ऐसे ठीक है ना, सोचो अचानक कुछ जैसे हो जाता है तो अचानक भाव भीन हो जाते हैं, तो उसकी चर्चा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, मुश्किल लग सकता है, अभी तो उन्होंने जांचना परखना शुरू किया है, धीरे धीरे आपको अपने सारे सहज स्वीकृत भाव पहचान में आएंगे, ये भाव ही है जो मुझे सहज से स्वीकार होते हैं। जैसे एक भाव ऐसे आ जाता है, सामने वाला दुखी है तो मैं भी उसके साथ दुखी हो जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ, तो उसको मैं कैसे समझूं? दुखी तो मैं हुई, दुख का भाव आया, लेकिन मैं क्यों दुखी हो रही हूँ सामने वाला दुखी के दुख को, क्योंकि मैंने उस दुख को जिया नहीं है, फिर भी मैं भाव भेल हो गई। वही तो, ये दुख जो भाव है ये सहज स्वीकृत है कि नहीं है? हाँ ये तो सहज स्वीकृत हो गया। नहीं नहीं है या नहीं है, क्या आप दुखी होना चाहती हैं? नहीं होना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं हो जाती हूँ क्योंकि सामने वाला दुखी है, मैं दुख नहीं देख पा रही हूँ उसको। वही तो, अगर हम देखें तो इसमें दो भाव है, एक तो आपके अंदर उसके साथ संबंध की स्वीकृति का भाव है, उसको कोई नाम दे दे, स्नेह कह दे, है ना, तो स्नेह का बात हम लोग कर सकते हैं, स्नेह को समझा जा सकता है, स्नेह की चर्चा की जा सकती है, उसको परिभाषित किया जा सकता है, हम लोग बात करेंगे भी। तो स्नेह को अगर हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो अगले के दुख में हम दुखी हो जाते हैं, अगर हम समझ पाते हैं तो दूसरे के दुख के दुख से उसको निकालने के लिए, उसे उबारने के लिए हम कार्यक्रम बना पाते हैं। नहीं ये दुख जो आया है वो मैं सामने वाले व्यक्ति को जानती नहीं हूँ, बस मैंने बहुत अचानक मिली, वो कहीं अपने दुख की चर्चा कर रहे हैं, और मैं कई बार ऐसे सेशन जैसे हम अटेंड करते हैं, कोई अपने दुख के अनुभव बता रहा है तो मैं रोने लग जाती, मैं उससे दुख से दुखी हो जाती हूँ, पर मैं उसका दुख दूर नहीं कर पाती। वही तो ये मैं ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है ना, इसको थोड़ा ओपन रखें, तो सुखी होने का कार्यक्रम अगर स्पष्ट नहीं है तो हम कभी अपने परेशानियों से दुखी हो जाते हैं, कभी दूसरे की परेशानियों से दुखी हो जाते हैं, ये होता रहता है। अगर हमको सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम स्पष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सर जी। तो काफी लोग कह रहे हैं कि हाँ ये भाव निश्चित हैं, इनकी
निश्चितता के साथ चर्चा की जा सकती है। कुछ रिस्पॉन्स ऐसे भी है कि भाव अनिश्चित हैं और कुछ रिस्पॉन्स है कि कह नहीं सकते, ठीक है ना। इसको हम लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो तीसरी बात ये कही जा रही है यहाँ पे कि इन भावों को पहचाना जा सकता है निश्चित है, बट ये प्रस्ताव है ना, आप इसे डिफर कर सकते हैं और इसको हम लोग समझने का काम करेंगे आज पूरे दिन और कल भी हम इस पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये भाव निश्चित हैं, क्या इनको समझा जा सकता है, इनको ठीक ठीक पहचाना जा सकता है। और इनको देखेंगे तो पाएंगे 9 भाव हैं। यदि भाव को मैं ठीक ठीक पहचान पाता हूँ, इनका निर्वाह कर पाता हूँ, मूल्यांकन कर पाता हूँ, तो उससे उभय सुख होता है। उभय मतलब दोनों सुखी होते हैं। तो जो बात हो रही थी कि हम जब उसको जी कर देखने जाते हैं तो उसे उभय सुख होता है कि नहीं, ये उभय सुख होने के पीछे इतना सारा काम होना जरूरी है। एक तो संबंध की पहचान हो पाना, उसमें भाव की पहचान हो पाना, है ना, फिर उसका निर्वाह हो पाना, फिर उसका ठीक ठीक मूल्यांकन हो पाना, ये चार चीजें होंगी तब जाकर उसमें उभय सुख होगा, साथ साथ सुखी होंगे। और यही हम चाहते हैं, हम अपने आप में भी सुखी रहें, जिनके साथ जिए वो भी हमसे सुखी रहें, यही चाहते हैं। और यही फैल कर पूरे समाज के साथ हो जाए तो हर एक के साथ ये उभय सुख पूर्वक जीने की हमारी योग्यता बन जाती है। अभी भाव को पहचाने जाए तो कौन कौन से भाव हैं, देखें तो एक भाव है विश्वास का, ट्रस्ट। विश्वास क्या है तो हम सब ने कुछ इसके बारे में जरूर सोचा होगा, है ना, अभी हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। पर ये देख लें कि भाव आपको सहज स्वीकृत होते हैं कि नहीं। विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव, श्रद्धा का भाव, गौरव, कृतज्ञता और एक प्रेम का भाव है। ये 9 भाव है जिसपे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पहले सत्र में विश्वास के भाव पे और थोड़े दूसरे सत्र में भी आंशिक रूप से विश्वास पे बात करेंगे, फिर सम्मान की बात करेंगे और तीसरे सत्र में भी सम्मान पे बात करेंगे। ये आपको दिखाई देगा कि संबंध का जो आधार होता है वो विश्वास का भाव है, यही आधार मूल्य है। और जो संबंध की पूर्णता है ये प्रेम भाव है, प्रेम के भाव के साथ संबंध की पूर्णता होती है। तो इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ये कुछ चीजें हम लोग जांचें परखेंगे, जैसे विश्वास क्या है, विश्वास केवल कुछ व्यक्तियों पर होगा या सभी पर होगा, विश्वास जब भी होगा किसी शर्त पे होगा या बिना शर्त के होगा, और क्या किसी पे भी निरंतरता में विश्वास कर सकते हैं, इस पे आपका एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। वो आप क्या सोचते हैं, क्या विश्वास केवल कुछ व्यक्तियों के लिए होगा या सभी के लिए होगा, क्या विश्वास सशर्त होगा या बिना शर्त होगा, और क्या निरंतरता में हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके रिफ्लेक्ट करिए। इसको इस बीच में कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। श्री कौशल जी, कौशल बुटोलिया जी, मेरी आवाज आ रही है? दिलीप जी सर नमस्कार। नमस्ते। हाँ, दिलीप जी निवेदन कर रहा था, विश्वास सब पर तो नहीं हो सकता सर। जिन पर विचार मिलते हैं, जिनको बार बार परखा जा चुका होता है, उन पर ही विश्वास बन पाता है। जो चीटिंग कर लेते हैं उन पर कभी विश्वास फिर नहीं बन पाता। तो आपको लगता है किसी पे भी निरंतरता में विश्वास तो नहीं कर सकते? नहीं, किसी पर भी निरंतर नहीं कर सकते सर। यदि विश्वास उस पर बन गया है और वो हमेशा विश्वास पर अपने खरे उतरता है, उसके काम यदि अपने सकारात्मक रहते तो उस पर निरंतरता बन सकती है। नहीं, फिर तो इसका अर्थ हुआ कि सशर्त होगा, शर्त लगा दी ना हमने कि इस शर्त पर विश्वास होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। वैसे ये भी निष्कर्ष निकल जाता है फिर कि कुछ ही व्यक्तियों के लिए होगा, वो भी निरंतर नहीं होगा, सबके लिए तो हो ही नहीं सकता है ना। हाँ जी सर। ठीक है, इसको ओपन रखें, अच्छी बात है। आपने, आप जैसा सोचते हैं आपने उसको रिफ्लेक्ट किया है ना, इस पर हम लोग बात करेंगे। संजय जी, संजय जी जी सर नमस्कार। सर जी नमस्ते। जी सर, मैं भिंड से बोल रहा हूँ सर। चूंकि सर मेरी समाधान सर ने कर दिया, जो सर क्वेश्चन, सर ने जो क्वेश्चन किया सर वो क्वेश्चन मैं करने वाला था। और ठीक है, ठीक है जी सर। शरीफ जी, विश्वास का जहां तक प्रश्न है तो वो हर व्यक्ति पर तो नहीं हो सकता है, कुछ ही व्यक्तियों पर होगा, लेकिन जब भी विश्वास होगा वो बिना शर्त ही होगा, तो उसमें कहीं शर्त नहीं होगी। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि क्या हम निरंतरता में किसी पर विश्वास कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं निरंतरता पर विश्वास। ठीक
ठीक है, इसको अभी है ना और ऑब्जर्व करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे जी। कमल जी सर नमस्कार जी। नमस्ते सर, मेरा मानना है कि सर विश्वास किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, दोनों स्थितियां होती है और जिसपे विश्वास करते हैं वो धोखा भी देता है सर। हम जिन लोगों पे काम हो जाएगा फिर है ना क्या सर, हम अधिकतर जिन लोगों पे विश्वास करते हुए धोखा देते हैं जी जी, तो लगता है कि विश्वास तो, करने से तो हो सकता दुख भी हो जाए हमको। हाँ दुखी होगा सर इंसान, हम दुखी होंगे विश्वास करने से। अच्छी बात है, ये सब जितनी भी चीजें हमारी कल्पना में चलती है ना वो सब निकल कर आए तो अच्छी बात है, हम उसको ठीक ठीक ऑब्जर्व कर पाएंगे, इवैल्यूएट कर पाएंगे। जैसे सर मैं इसको एक उदाहरण दे के समझाना चाह रहा हूँ। आपकी बात स्पष्ट है, आपकी बात स्पष्ट है, उदाहरण में थोड़ा समझ प्रभा जी 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 प्रभा जी कुछ कहना चाह रही, फिर मनीष कुमार सोनी जी हैं। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। सर मेरी आवाज आ पा रही है? क्लियरली आ रही है। हाँ जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी भी समस्या को या किसी भी व्यक्ति को जांच रहे हैं, परख रहे हैं और फिर उसको मान कर, पहचान करके मान रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विश्वास किया जा सकता है कि हम पहले ही सब चीजों को देख रहे हैं, तो फिर विश्वास बिना शर्त किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है सर। थैंक यू सर जी। संगीता जी। यस सर, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है। मेरा ये कहना है सर कि कभी कभी क्या होता है कि जीवन में हम जैसे मान लीजिए कि हमारा हस्बैंड ही है, जीवन पूरा जीवन हम उसके विश्वास पर उसके साथ रहते हैं, लेकिन कई जगह ये देखा जाता है कि वही विश्वास उसके भरोसों को तोड़ देता है और उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। हेलो जी जी सुन रहे हैं। हाँ, और विश्वास हम किसी भी व्यक्ति पर इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसको पूरी तरह से पहचान न लें, और विश्वास में हमेशा धोखा होता है ये भी जरूरी नहीं है। विश्वास बिना शर्त के भी होता है और निरंतरता में हम विश्वास करते भी हैं। थैंक यू सर। ठीक है, हम लोग बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें तो ये निकल कर आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों के लिए ही पे ही हम विश्वास कर सकते हैं, और बट ये भी है कि विश्वास होगा तो बिना शर्त होगा, और क्या निरंतरता में हो सकता है, तो लगभग लगभग बराबर रिस्पॉन्स आया है। कुछ लोग कह रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं हाँ, लगभग उतने लोग कह रहे हैं ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक तो हमने ध्यान देना शुरू किया इस विश्वास के भाव पर, और आप पाएंगे कि किसी भी संबंध के निर्वाह में इसकी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है, आधार है संबंध का। और अगर विश्वास को लेकर हमारे अंदर इतनी सारी शंकाएं हों तो किसी भी संबंध को हम पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर पाते, हमेशा ही दूसरे के साथ एक शंका भी बनी रहती है, कुछ अपेक्षा भी बनी रहती है, और जो जीना होता है संबंध में उसमें दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और उसमें जो उभय सुखपूर्वक जीना है वो बन नहीं पाता, निरंतरता नहीं हो पाती। तो इसका एक निष्कर्ष तो ये हुआ कि इस विश्वास के भाव को समझने की जरूरत है, क्या है ये विश्वास का भाव। तो हमने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा है कि विश्वास का मतलब है आश्वस्त होना। किस बात से आश्वस्त होना? इस बात से कि दूसरा मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है, ये मुझे स्पष्ट हो जाए, यानी दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, समृद्धि करना चाहता है, ऐसा स्पष्ट हो जाए तो कहेंगे विश्वास है, अन्यथा विश्वास नहीं है। अभी कैसे स्पष्ट होगा इस बात को, कैसे जांचेंगे कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, समृद्ध करना चाहता है, नहीं चाहता है, कैसे जांचेंगे? तो उसको जांचने का एक तरीका है कि यहाँ पर अगर हम कुछ प्रश्न करें अपने आप से, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें, तो हमें उसके बारे में बहुत ही सटीक डेफिनेट आंसर मिल सकता है। इसको अंग्रेजी में कहें तो ट्रस्ट बराबर टू बी अश्योर्ड, दैट इज टू हैव द क्लैरिटी दैट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। अब हम दो व्यक्तियों के बीच विश्वास के भाव को जांचने का काम करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले लें कि आप पहले व्यक्ति हैं और दूसरे के बारे में अपने परिवार किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं, किसी करीबी दोस्त को चुन सकते हैं, है ना। तो आपकी जो शेयरिंग आई उससे बहुत सारा निकल कर आया कि हम परिवार के संबंधों को लेकर कंसर्न हैं, हम समाज के अपने परिचितों को लेकर कंसर्न हैं।
तो आप पहले व्यक्ति हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में, है ना, इन प्रश्नों को लेते हैं एक एक करके। तो अपनी सहस्वीकृति घर पर जांच के देखिए कि क्या आप निरंतर सुखी होना चाहते हैं। मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ या नहीं, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं। दूसरा, स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है कि नहीं, और दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है कि नहीं। इस पे आप एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। जी क्या लगता है इसको, थोड़ा सा आप देखें अपने आप में फिर रिस्पॉन्ड करें। तब तक मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूं। श्री सुमन जी, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, मैं दूसरों को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूं, और दूसरा उसको स्वयं को भी निरंतर सुखी करना चाहता है। किंतु चौथा प्रश्न जो है कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है या नहीं, ये थोड़ा सा एक सोचनीय प्रश्न है कि उसके मन में क्या है, ये हम कैसे जान सकते। जी जी, ठीक बात है, इसको देखते हैं। प्रदीप जी, फिर सुनीता शर्मा जी। हाँ हेलो जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि एक अभी आया था कि निरंतरता, मैं सुखी और सुखी मैं निरंतरता, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं सर। अच्छा नहीं सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, फिर से थोड़ा वॉइस मिक्स हो गया, एक और साथी। हाँ आपके पीछे से कुछ आवाज आ रही है। हाँ फिर से कहिए। हेलो जी प्रदीप जी, बताइए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, इससे पहले वाली जो स्लाइड आई थी सर, वो निरंतरता वाली, क्या यहाँ पे दोबारा हो सकती है सर फ्लैश? ये चार प्रश्न से जुड़े हुए हैं, आपके सामने देखिए। नहीं मेरा, हाँ मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना सर, कि इसमें निरंतर सुखी और ये चीज समझ नहीं आ पा रही है कि निरंतर एक व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में हैं या जिस परिवेश में हम जीवन यापन कर रहे हैं, वहां निरंतर सुखी होना मुझे तो नहीं लगता कि आज अभी एक घंटे बाद क्या होने वाला है तो वो सुखी निरंतर हो सकता है व्यक्ति, ये कुछ समझ से परे है सर। भाई अभी तो चाहने की बात कर रहे हैं, आप निरंतर सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, ये तो पहले क्लियर हो जाए। नहीं बिल्कुल, हर आदमी चाहता ना सर, निरंतर सुखी तो हर आदमी चाहता है। जी जी, अभी तो चाहने की बात है, चार प्रश्न देखिए, इसमें चाहता हूँ को हाईलाइट किया जाए, तो पहले चाहने की स्पष्टता हो जाए, फिर जी पाएंगे नहीं पाएंगे उस पर बात करेंगे। जी जी जी, है ना। तो आप सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, दूसरे को सुखी करना चाहते हैं कि नहीं? हाँ मैं इन प्रश्नों का आंसर दे चुका हूँ सर। जी बिल्कुल, मैं उसमें सबमिट कर चुका हूँ। जी ठीक है, बनी रहने वाली बात अभी दाईं तरफ आएगी, उस पे बात कर लेंगे। जी सर, जी सर, जी। मंजू दायमा जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, मैं निरंतर सुखी होना चाहती हूँ, पर ये संभव है, हो सकता है सर? वही अभी तो चाहना पे स्पष्टता हो जाए, है ना, संभावना। हाँ, सर, निरंतर सुखी, हाँ, निरंतर सुखी होना चाहते हैं। और सर जैसे स्वयं पर, अगर हम स्वयं पर विश्वास करेंगे तो दूसरे पर विश्वास होगा। पहले तो इन चारों प्रश्नों में क्या लगता है, ये चौथा ए जो है दूसरा, सर, निरंतर सुखी होना चाहते हैं। जी जी, दूसरा भी आपको निरंतर सुखी करना चाहता है क्या? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको दिख रहा है ना, नहीं भी दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, उसको भी आप जब सर। और सर हम खुद भी, मतलब दूसरा भी, स्वयं भी निरंतर सुखी रहे,
नहीं, बात ये हो रही, आप प्रश्न को पहले ध्यान से देख लीजिए है ना, फिर इस पे बात करते हैं। जी जी सुनीता जी, हाँ जी, जी सुनीता जी। हाँ जी सर, मैं चौथे प्रश्न पे बोलना चाहूंगी कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है ये नहीं, ये तो खैर उस पे निर्भर करता है, लेकिन उसके कुछ बात और व्यवहार से मैं इतना समझ तो सकती हूँ कि वो मुझे भी सुखी करना चाहता है। है ना, कि वो कम से कम हम इतना तो जान और समझ सकते हैं सर कि दूसरे का भाव क्या है, वो हमारे लिए क्या करना चाहता है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं सर कि वो भी मुझे सुखी करना चाहता है। जैसे एक परिवार है सर, अगर हम परिवार में साथ रहते हैं तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसे ही मेरे परिवार के सभी सदस्य चाहते होंगे कि एक दूसरा भी सुखी रहे, तब परिवार में सामंजस्य और प्रेम का भाव बना रहेगा सर। जी, एक तो है कि दूसरा सुखी रहे है ना, ये तो हमारे अंदर का आशा है। हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं कि नहीं? हम करना चाहते हैं सर, क्योंकि जब तक हम जिसके साथ रह रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो चाहे वो हमारा कार्यालय हो, अगर दूसरा दुखी है तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं सर? तो हमारा प्रयास तो रहेगा कि हम दूसरों को भी सुखी रखें जी, ताकि हम स्वयं भी सुखी रह सके। जी, वैसे ही क्या दूसरे के बारे में ऐसा लगता है कि दूसरा भी चाहता है कि आप सुखी रहें? हाँ सर, चाहता तो होगा, हम उसके भाव से समझ सकते हैं कि वो चाहता है या नहीं चाहता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी थैंक यू सर। दीपक पुरवाल जी। सर नमस्कार। नमस्ते, और सभी को नमस्कार। सर इस पे मैं मेरी राय देना चाहूंगा सर, जो दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है क्या? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ सर, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहेगा, क्योंकि मैं उसके हर सुख में साथ में हूँ, हर दुख में साथ में हूँ, तो फिर सर उसके भी मन में ये होगा कि ये मेरे लिए सामने वाला इतना करता है तो मुझे भी इतना उसके लिए करना चाहिए। ये तो सिर्फ उनके लिए दिख रहा है आपको, जिनके लिए आप कुछ कर रहे हैं, बट ये हर एक के बारे में वैसे ही दिखता है कि हर आदमी को सुखी करना चाहता है। अच्छा, हर एक व्यक्ति का तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति जिसको अपन जिसके प्रति अपन का हमारा विश्वास बना हुआ है उसके लिए तो हम ये बात कह सकते हैं सर। और सर जिसके प्रति विश्वास इतना मजबूत और सुदृढ़ नहीं है तो उसके लिए सर ये बात कहना पॉसिबल नहीं हो पा रही सर। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क रखेंगे अभी अपने लिए। जी जी बिल्कुल सर जी, धन्यवाद सर जी। भारती जी। श्री लखनलाल जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ जी सर, सर मैं भी लास्ट वाले प्रश्न पे ही बोलना चाहूंगी। सर मेरा मानना ये है कि ये भी अलग अलग कंडीशनों पर डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या है, तो सामने वाला हमें निरंतर सुखी रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है, और अगर सिचुएशन अलग है तो नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, मेरा ये मानना है। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू सर। शैलेन जी, उसके बाद रामजी दास जी। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे चलते हैं। हाँ लखनलाल जी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, सर शैलेन सिंह बोल रहा हूँ। सर शैलेन सिंह डाबी। सर मेरा मानना है कि जैसे जो तीन जो पहले प्रारंभिक हैं वो तो हम हमारी तरफ से है तो हम तो चाहते हैं, पर जो चौथे नंबर का जो प्रश्न है या चौथे नंबर की जो बारे में बात हो रही है उस पे हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनका चाहना है, वो चाहते हैं ना चाहते हैं ये हम नहीं जान पाते हैं या हम नहीं समझ पाते। पर हाँ, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि पॉजिटिव व्यू में देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि हम सभी को सुखी रखें और सुखी रखना चाहते हैं, पर कुछ परिस्थिति या उनके कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित है या कुछ ऐसा कुछ जो चीजें हैं उनके अनुभव है वो उनको शायद क्या निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं वो हम नहीं समझ पाते। तो चौथे पॉइंट में हम ये कहेंगे उसको छोड़कर हम बाकी चीजों में हमारी सब में हाँ है सर। जी बढ़िया है लखनलाल जी, इसके बाद हम लोग है ना रिस्पॉन्स देखेंगे सभी साथियों का। लखनलाल जी लखनलाल जी
आपके अनम्यूटेड हैं आप। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो जो रिस्पांस आया आपके, उसमें अगर आप देखें तो पहले प्रश्न सभी हाँ कह रहे हैं लगभग, दूसरे प्रश्न में भी लगभग सभी हाँ कह रहे हैं, तीसरे में भी हाँ की ओर ही देखें तो मेजोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, चौथे में अगर आप देखें तो कुछ कह नहीं सकता, ऐसा एक रिस्पॉन्स आ रहा है। इनफैक्ट ये एक सामान्य सा रिस्पॉन्स है जो लगभग हर वर्कशॉप में आता है। तो देखिए तो उसी हिसाब से ये स्लाइड में भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, क्योंकि अभी हमारे भाव में अगर देखें तो ये दूसरे की चाहना को लेकर शंका बनी रहती है, तो यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, और ये प्रश्न चिन्ह ही अगर आप देखें तो हमारे सारे संबंधों में शंका उत्पन्न कर रहा है ना, विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या इसका एक सटीक उत्तर मिल सकता है, इसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है कि नहीं, क्या ये स्पष्ट हो सकता है। तो ये जो बातें अभी हमने चार प्रश्न किए आपसे, ये चाहना से जुड़ी है, सहज स्वीकृति से जुड़ी है, जैसा होना सहज से स्वीकार है, उससे जुड़ा हुआ है। अब उसी करिस्पॉन्डिंग देखें तो चार प्रश्न और किए सकते हैं, वो जीने से जुड़े हैं आपकी योग्यता के आधार पर। तो जैसे पूछा गया मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूँ, क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूँ, क्या दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है, और क्या दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है, इस पर भी आपके रिस्पॉन्स ले लेते हैं, फिर इसको और एक विश्लेषण इसको और करेंगे हम लोग। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप निरंतर सुखी कर पाते हैं अपने आप को? जैसे कई लोग कह रहे थे कि भाई तो हो ही नहीं सकता है ना, निरंतर सुखी कोई हो नहीं सकता, तो चाहते तो हैं, जीने में क्या है? वैसे दूसरे के लिए आप कहते हैं कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, चाहने में है, जीने में क्या है? दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है क्या? चाहने में है, जीने में क्या है? वैसे चौथे प्रश्न में भी जीने में क्या है? तो पहली जो बात हुई वो चाहने को लेकर हुई, अब ये बात जीने को लेकर हो रही है, आपकी योग्यता को लेकर हो रही है। तब तक मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूं। तो एक बार मैं हैंड सारे लोअर कर रहा हूं, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी गजेंद्र जी बताएं। जी सर, पिछले प्रश्न पर भी हैंड रेज किया था मैंने जी, तो उस पर बोलना चाहूंगा कि मैं तो स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, इसलिए ऐसे ही दूसरा भी स्वयं को निरंतर सुखी करना ही चाहता है, और मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूं तो निश्चित रूप से दूसरा भी मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, पर जैसे मैं चाहता तो हूँ पर अपनी मान्यता धारणा और अपने अनुभवों के कारण कभी कभी नहीं कर पाता हूँ। तो वही कंडीशन शायद दूसरे के साथ भी होती है, वो भी मुझे निरंतर ही सुखी देखना और करना चाहता है, पर शायद कुछ मान्यता धारणा अनुभव या मेरी वजह से मुझे नहीं कर पाता, तो मेरी उम्मीद है उससे शायद ज्यादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरसी उपाध्याय जी जी सर, सर थोड़ा सा मैं अभी तक जितने रिस्पॉन्सेज आए उससे अलग सोच रहा हूँ लगता है, इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जहां तक दूसरों को मेरे द्वारा सुखी करने की बात है और दूसरों के द्वारा मेरे को सुखी करने की बात है, इन दोनों में एक फैक्टर जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मैं दूसरों को केवल इसलिए सुखी करना चाहता हूँ कि उससे मुझे कहीं ना कहीं मेरा सुख उससे संबंधित होगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मेरा कोई सुख संबंधित नहीं है, मैं उसको सुखी करने के दिशा में कुछ नहीं सोचता हूँ। इसी तरह दूसरा भी मुझे सुखी करने के बारे में तभी वो कुछ सोचता है या करता है जब उसको लगता है कि इनके सुखी होने से कहीं मैं भी सुखी होऊंगा या मेरा सुख इनके सुखी होने से संबंधित है। तो ये एक म्यूचुअल जो डिपेंडेंसी है, मुझे लगता है ये संबंध से निकल करके आती है, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है जी, बढ़िया है। मतलब एक तो बात यह है कि हम सभी इस चीज को जांच रहे हैं, अपने अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण राव जी। हाँ नमस्कार सर जी। जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी क्लियरली सर। ये चारों भी जो प्रश्न है ये काफी हद तक एक परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। निश्चित रूप से हम कभी कभी अपने आप को भी सुखी नहीं कर पाते, क्योंकि परिस्थिति के बहुत से ऐसे कारक हो जाते हैं जिसे हम पूर्ण नहीं कर पाते जी।
तो हम जब अपने आप में ही परिस्थिति के वशीभूत सुखी नहीं हो सकते तो हम दूसरे को भी हमेशा सुखी नहीं कर सकते, ये तो तय है। और दूसरे की अपेक्षा जो है कि ये मेरे को निरंतर सुखी करके रखेगा, इसमें भी कारक जो है वो परिस्थिति का जाता है। एक्चुअल में जो सुख और समृद्धि की बात कर रहे हैं, अगर दूसरा हमको तब सुखी करेगा जब वो समृद्ध होगा। समृद्ध का मतलब ही ये होता है कि मैं अपने आप में सक्षम पूर्ण होने के बाद किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकूं। अब वो व्यक्ति यदि उस मामले में समृद्ध नहीं है तो आपकी कसौटी पे वो खरा नहीं उतर सकता। तो ये परिस्थिति जन्य उत्पन्न कारक ऐसे होते हैं जो विश्वास की पराकाष्ठा को भी कभी कभी डगमगा देते हैं जी, और हमारे उस व्यक्ति के प्रति विचार बदलते चले जाते हैं। जैसे आज मैंने आपसे कुछ पैसे मांग लिए और आपके पास आज नहीं है सडनली, तो कल तक तो सर मेरे लिए बहुत अच्छे थे जी, पर आज जो मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो मैं अपनी धारणाओं को बदल लूंगा, अरे यार जरा सा बोला तो सर ने नहीं किया। तो ये काफी कुछ चीजें जो है वो परिस्थिति पर निर्भर करती है निश्चित रूप से, क्योंकि मानव जीवन ही का एक अवलंबन जो चलता है सुख और समृद्धि का, ये स्वार्थ पे आधारित होता है। तो निश्चित रूप से हम इसमें कोई भी निश्चयात्मक तथ्य जो है वो नहीं निकाल सकते, सिर्फ परिस्थिति बस इसका आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद सर जी। सुंदर सुषमा दास जी। जी सर नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा अलग इस तरह से सोच पा रही हूँ इन चीजों को आपकी कार्यशाला से जुड़ने के बाद और वैसे भी स्वावलोकन करने के बाद, कि मैं यदि स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ और निरंतर सुखी कर भी पा रही हूँ, दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहती हूँ और यदि कोशिश करती हूँ तो कर भी पाती हूँ, दूसरा भी उसको उसके लेवल पे, हर आदमी अपने आप को निरंतर सुखी रखना चाहता है और सुखी कर पाता है, पर जब दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहेगा और मैं उस पर डिपेंडेंट होंगी तो मेरा सुख कहाँ रहेगा सर? दूसरा यदि मुझे नहीं सुखी करना चाहे, मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश करे, यदि इन इस पर मैं भरोसा करने लगूं और मेरी सुखी और खुश होना उस पर डिपेंडेंट रहे कि वह मुझे खुश करे, तो मैं तो कभी सुख नहीं पा पाऊंगी। मुझे स्वयं में सुख होना सुखी होना जरूरी है, मेरे अंदर ही सुख खोजना जरूरी है, ऐसा मेरा भाव है सर। हाँ, तो ये तो कह नहीं रहा कि आप उसे डिपेंडेंट हो, मतलब आपके बात से एक बात तो निकल कर आ रही है कि आपको इस बात पे शंका है कि दूसरा आपको सुखी करना चाहता है। नहीं सर, शंका नहीं है। मैं नहीं शंका कर रही कि मुझे सुखी कर रहा है कि नहीं। नहीं मतलब ठीक है, जैसे आपने कहा अगर दूसरा मुझे सुखी न करना चाहे तो इसका मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा भी लोग हो सकते हैं जो मुझे सुखी न करना चाहे। गलत बोल गई सर, ऐसा नहीं है वो, कि मतलब मैं मेरी सुख और खुशी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, मेरा मूल भाव ये है। ये तो एक बात ठीक है कि मेरी तो हम लोग जो कल स्वतंत्रता की बात कर रहे थे ना, उसका अर्थ तो ये है कि मैं अपने आधार पर सुखी रह पाऊँ, ना कि दूसरे से मिलने वाले किसी भाव पर निर्भर रहूँ। वो तो बात ठीक है, परंतु तो दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं, ये कितना स्पष्ट है अपने आप में, इसको देखने की बात है। हेलो हेलो, इसमें भी मुझे लगता है कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर भी पाता है और करना भी चाहता है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा जी। राम रत्न जी। जी सर। सर नमस्कार। मैं इससे ये निष्कर्ष निकाल पाया हूँ सर कि प्रत्येक मानव चाहत के स्तर पर सुखी होना चाहता है, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो, या कोई भी व्यक्ति हो, साधारण सामान्य व्यक्ति हो, चाहत के स्तर पर सभी मानव एक समान स्तर एक समान चाहते हैं। थैंक यू सर जी। बढ़िया। भारती जी। भारती जी। जी सर। सर मैं ऐसा समझती हूँ जो लास्ट वाला प्रश्न है कि मैं तो सामने वाले को सुखी रखना चाहती हूँ। जैसे सर कोई एक रिलेशन ले लेती हूँ, मैं अपने बच्चे का या कोई भी माँ बच्चे का एक रिलेशन ले लेती हूँ, तो माँ हर वक्त अपने बच्चे को निरंतरता से सुखी रखना चाहती है और उससे चाहती भी है कि वो भी उसे निरंतर सुखी रहे, लेकिन ये वो नहीं पाता है। वो उसके गलत प्रभाव पे भी अपने आप को सुखी रखती है और वो सुखी है तो भी सुखी रखती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ रिलेशन पे भी डिपेंड करता है, कुछ कंडीशनों पे भी डिपेंड करता है। तो योग्यता वाले भाग को देखे ना जी सर, आप जी तो योग्यता वाले भाग को देखे, करने वाले भाग को देखे, तो ये पूरा एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है। अभी आप जो रिफ्लेक्शन
लिए गए थे आपसे, उसमें आप देखिए तो पूरा एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है, उस पर आता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। तो सुंदर, आप सब लोग सोच रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सारे मुद्दों पर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इस पोल को भी देखें तो इसमें दिखता है कि पूरा एक वैरिड रिस्पॉन्स है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके रिस्पॉन्सेज को लिया जाए, अभी क्या स्थिति है हमारी, तो इनमें सब पे प्रश्न चिन्ह है। और खास तौर पे यदि चौथे प्रश्न को देखें तो अधिकतर लोगों ने कहा है नहीं, है ना। तो इसका मतलब निकल कर आता है कि इस पे डबल क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आप देखिए तो ये दोनों में एक अंतर आपको दिखाई देगा। चाहने पे जो हमारा रिस्पॉन्स था और जो योग्यता के आधार पर रिस्पॉन्स है, तो इन दोनों में काफी एक अंतर है। जैसे 1A में हमने कहा कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, कह पाते हैं हाँ, बट कर पाता हूँ कि नहीं, प्रश्न चिन्ह है। वो तो दिखाई दे रहा था ना कि अभी हमारे अंदर इतने सारे प्रश्न बने रहते हैं, इतनी सारी मान्यताएं बनी रहती हैं, संवेदनाओं पे प्रतंत्रता बनी रहती है कि चाहने के बावजूद हम निरंतर सुखी नहीं रह पाते। वैसे देखें तो चाहने में हमारा जो इंटेंशन है वो तो ये है कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाऊँ, बट नहीं कर पाते, फिर हमारी योग्यता कम पड़ जाती है। दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही है, उसके अंदर बहुत सारी मान्यता संवेदना का भार है, तो चाहता तो है निरंतर सुखी होना परंतु अपने आप को रख नहीं पाता। अब मजे की बात देखने की यह है कि जब दूसरा मुझे निरंतर सुखी नहीं कर पाता है तो मैं चाहने पे क्यों शंका करता हूं? जब मैं अपने आप को निरंतर सुखी नहीं कर पाता हूं तो मैं अपनी चाहने पे शंका नहीं करता, मैं दूसरे को सुखी नहीं कर पाता हूं तो मैं अपनी चाहना पे शंका नहीं कर पाता। जब दूसरा मुझे सुखी नहीं कर पाता है तो मैं उसकी चाहना पे शंका क्यों करता हूं? इसको थोड़ा सोचिए अपने आप में, देखिए कि यहां पे प्रश्न चिन्ह क्यों है। जब दूसरा मुझे सुखी नहीं कर पा रहा तो ऊपर के सारे प्रश्नों को देखे तो प्रश्न चिन्ह थे ही, बट हमने कभी चाहने पे शंका नहीं की, यहां चाहने पे शंका क्यों कर लेते हैं हम? और यही जो प्रश्न चिन्ह है, दूसरे की चाहना पे जो शंका है, यही संबंध की सारी समस्या का आधार है, जहां हमने मान लिया है कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है। कमी कहाँ है? यहाँ तो हर एक जगह कमी है। योग्यता में देखें, आप चाहते हैं सुखी होना, नहीं रह पाते हैं क्योंकि समझ पूरी नहीं हुई है। दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, समझ पूरी नहीं हुई, योग्यता की कमी है। दूसरा भी निरंतर सुखी रहना चाहता है, नहीं रह पाता, समझ पूरी नहीं है। तो जब दूसरा आपको सुखी नहीं कर पाता तो उसकी चाहना पर शंका क्यों हो जाती है? ये क्यों नहीं दिखता कि वहां भी समझ की ही कमी है, चाहने में कोई कमी नहीं है? इसको थोड़ा पॉज करके आप देखिए अपने आप में। अभी जितनी बातें आप लोगों की आई उनमें सब में ये प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा था। तो दूसरा आपको सुखी नहीं कर पा रहा वो एक बात है, नहीं करना चाहता ये अलग बात है कि नहीं? अब ये देखिए तो ये जो चार प्रश्न इधर लिखे गए थे ना, ये आपकी योग्यता से जुड़े हुए हैं। योग्यता मतलब जैसे आप हैं, जिसमें आपकी इच्छा, विचार, आशा ये सब जुड़ी हुई है। ये जो नीचे समेशन दिया गया है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में दिया गया है ना, आशा ये है कि आपकी जो पूरी कल्पनाशीलता है वो इस बात का आकलन है कि आप हैं क्या, कैसे हैं, है ना, जैसा मैं हूँ, जैसे आप हैं। तो आपकी इच्छा, विचार, आशा का अगर पूरा आकलन किया जाए तो उसमें ये दिखता है कि सब जगह कमी है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बट सहज स्वीकृति वाले भाग को देखें तो ये तीन पे तो प्रश्न चिन्ह पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, सही कहते हैं, परंतु यहाँ क्यों मिक्स कर देते हैं? और यही गलती करते हैं हम जीने में कि दूसरे के व्यवहार के चूक को देखकर हम उसकी चाहना पर शंका करते हैं, मिक्स कर देते हैं इसको। अपने व्यवहार को देखकर, अपने कार्य को देखकर, अपने विचार को देखकर चाहना पर शंका नहीं होती है। हमारे अंदर हो सकता है दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे 12 घंटे विरोध का भाव चल पा रहा है, जिससे हम दुखी रहते हैं, बट ये कभी नहीं कह पाते हम कि हम दुखी होना चाहते हैं, है ना। दूसरे के प्रति भी हमारे अंदर विरोध का भाव चल रहा होता है, बट ये हम नहीं कहते हैं कि हम दूसरे को दुखी करना चाहते हैं। चाहते तो है सुखी करना, परंतु किसी कारणवश इसके प्रति विरोध बन गया, कोई घटना हो गई, कोई बात निकल कर आ गई होगी, विरोध का भाव बन जाता है, चाहने पर शंका नहीं करते। यही बात हमको दूसरे के बारे में क्यों नहीं दिखाई देती? अभी क्या गलती करते हैं? अपने बारे में तो चाहना को देखते हैं, दूसरे की योग्यता की कमी को देखते हैं। अपनी योग्यता की कमी को नहीं देखते, दूसरे की चाहना को नहीं देखते। क्या लगता है, ठीक बात है ये?
और यही सारा कंफ्यूजन है। हमसे कोई गलती होती है तो हम उसके लिए कारण ढूंढ लाते हैं, दूसरे से कोई गलती होती है तो हम कहते हैं वो गलत करना चाहता है। हम ये नहीं देख पाते कि अगर वो गलती कर रहा है तो चाहने में कोई कमी नहीं होगी, हो सकता है उसमें कोई समझने में कमी होगी, उसकी योग्यता में कमी होगी। हमसे जैसी कोई गलती होती है तो हम उसको एक्सप्लेन कर ले जाते हैं, अपने चाहने को सही ठहराते हैं। जी सुषमा जी कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद प्रभा जी कुछ कहना चाह रही है। जी सर, बहुत अच्छे से समझ पाई आपकी बात को, और ये हमारे दिन प्रतिदिन के कामों में हमें घर में ये अनुभव बहुत होता है कि हम अपने जो सहयोगी होते हैं उन पर गुस्सा करते रहते हैं कि उसने वैसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने कल भी बताया था, हमेशा बताती हूँ, तुम सुनती नहीं हो, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाकई वो उसकी चाहना तो होती है तभी वो मेरे यहाँ आ रही है और काम कर रही है, पर उसकी योग्यता में कुछ कमी है तभी तो वो इस स्तर के कामों में जुड़ी हुई है, और योग्यता की कमी और समझ की कमी के कारण ही वो काम कर नहीं पा रही है, चाहना है, ये मुझे बहुत स्पष्ट से समझ में आ रहा है सर, धन्यवाद। बढ़िया, प्रभा जी उसके बाद आशी उपाध्याय जी, फिर श्री सुमन जी। जी श्रीश जी, निश्चित रूप से सर इन दोनों प्रश्नों ने झकझोर दिया है कि सहज प्रकृति के आधार पर तो हम सोचते हैं, लेकिन जब हम अपनी योग्यता का आकलन करते हैं तो हम दूसरों की योग्यता का भी आकलन करने लग जाते हैं। वस्तुतः जो हमारे अंदर है हम ये सोचते हैं कि वही दूसरों के अंदर भी होगा, और इसी क्रम में जो है इन प्रश्नों पे जो विचार हुआ है, तो दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है या नहीं कर पाता, ये हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाते इसलिए वो नहीं कर पाता होगा, या दूसरा जो है मुझे निरंतर सुखी कर पाता है, तो इसमें भी हमारा यही प्रश्न उठता है कि जो हमारी योग्यता है हम ये सोचते हैं कि उसी योग्यता से या उससे कमतर योग्यता का वो व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रश्न, दोनों जो कंपैरिजन है वो वास्तव में विचारणीय और झकझोरने वाले हैं सर। तो निश्चित रूप से बहुत ही सही ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया है। सर मैं उपाध्याय, उपाध्याय जी जी। सर यहाँ दो बातें मैं कहना चाह रहा था, एक तो ये कि अभी जो आपने कहा कि हम दूसरा हमको सुखी नहीं करना चाहता है अर्थात दुखी करना चाहता है, तो मेरा यहाँ मानना है कि सुखी करना चाहना और दुखी करना, ये मुझे लगता है थोड़ा तो इनमें अंतर है। सुखी न करना चाहना का मतलब ये मुझे लगता है नहीं होगा कि वो दुखी करना चाहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो मुझे ना सुखी करना चाहता है ना दुखी करना चाहता है, और अगर कनेक्टेड है तो फिर वो चाहेगा। जी पहले तो बताओ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा सुखी दुखी करना चाहता है आपको, है ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये निकल कर आया ऑब्जर्वेशन में कि अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है, उसको भी और देखें कि दूसरा सुखी ना दुखी करना चाहता है या मुझे सुखी ही करना चाहता है, इसको भी थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, है ना सर। ठीक जी सर। प्रभा जी। जी सर नमस्कार। मैं सर मेरा सोचना ऐसा है सर कि जब हम ये सोचते हैं कि जब हम स्वयं को सुखी रखते हैं तो सामने वाला भी तो अपने आप को सुखी रखना चाहता है, और वो हमको क्यों दुखी करना चाहेगा जब हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में भाव तो यही होता है कि हम हमारे कारण किसी का कोई बुरा ना हो, कोई हमारे कारण दुखी ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ किसी वजह से, जैसा कि आपने बताया कि योग्यता की वजह से या किसी और कारण की वजह से वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है और उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, तो वो भी तो हम अपनी ही मर्जी से अपने ही कारण स्वयं ही सोच करके दुखी हो रहे हैं कि अपने मन में ये भाव बना रहे हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और हम स्वयं अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं। यहाँ भी अगर देखा जाए तो वो ऐसा नहीं सोच रहा है कि हम आपको दुखी, दूसरे को दुखी करें। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता और स्वयं में भी सुखी रहना चाहता है और किसी को दुखी नहीं करना चाहता। थैंक यू सर। जी बढ़िया। इनफैक्ट आप इस अगर प्रश्नों को देखें तो आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन 3A जो है वो 1A का रिफ्लेक्शन है, क्वेश्चन 4A जो है वो 2A का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, तो दूसरे के लिए आप दूसरे हैं, यानी बात तो
निश्चित हो जाता है ना कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, क्योंकि आप उन सब लोगों के लिए दूसरे हैं और आपके लिए सभी दूसरे हैं। तो जब आप इस बात को कह पा रहे हैं और यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, तो ये तो अपने आप उससे निकल कर आ जाता है निष्कर्ष रूप में, है ना। परंतु हमारे भाव विचार में ये बात स्पष्ट नहीं रहता है, यही समस्या है जी। गजेन जी का आखिरी कमेंट लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर ब्रेक करेंगे। जी सर, धन्यवाद अवसर देने के लिए। बिल्कुल सर, आपके इस प्रयोग ने बहुत कुछ समझ दी है, और ये रिफ्लेक्शन वाली जो आपने बात कही, जो मैंने पहले भी कही थी, बिल्कुल सही है कि मैं अगर दूसरे को मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ तो दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है। इसमें एक उदाहरण याद आया कि जैसे माँ बाप हमें हमेशा ही सुखी करना चाहते हैं, पर उसके बावजूद भी कभी कभी हम सुखी हो नहीं पाते, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं, धारणाएं या शर्तें आ जाती हैं, उन शर्तों के कारण हम सुखी हो नहीं पाते, या हमारी उम्मीद उस सुख से ज्यादा हो जाती है जो वो हमें दे रहे हैं, तो भी हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही मित्रों के साथ भी होता है, मित्र भी हमें निश्चित रूप से व्यवहार, सांत्वना और बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर कई बार हमारी उम्मीदें, शर्तें या धारणाएं बीच में आ जाती है, तो कभी कभी हम इस सुख, जो सुख हम चाह रहे हैं वो ना मिलने के कारण दुखी भी हो जाते हैं, तो वो दुख हमारी देन है, शायद वो हमें नहीं देना चाहते। तो निश्चित रूप से दूसरा हमें बहुत कुछ देना चाहता है, सुखी करना चाहता है, पर हम अपनी धारणाओं के कारण कभी कुछ सुख से वंचित हो जाते हैं। धन्यवाद जी। सुंदर, तो मुझे लगता है कि अभी 11:30 बज चुके हैं। परीक्षित भैया, अभी ब्रेक कर लेते हैं 15 मिनट का। जी जी भैया, ठीक रहेगा। सभी को पुनः नमस्ते। तो हम लोग जो बात कर रहे थे विश्वास के भाव को लेकर, और आपके जिस तरह के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि आप लोगों ने जांचना तो शुरू कर दिया है, कई लोगों को ये बात अपील भी कर रही है। तो देखें, तो विश्वास का अर्थ है कि मुझे स्पष्ट रूप से दिख जाए कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी ही करना चाहता है। परंतु जब हम अपनी की स्थिति को जांचने जाते हैं तो दिखता है यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और उसमें समान रूप से गलती क्या हो रही है कि हम दूसरा जैसा हमारे साथ जी रहा है उसको देख कर हम उसके चाहने पर एक राय बना लेते हैं, और वहाँ एक शंका बन जाती है। अपने आप को जब देखते हैं तो अपनी तो चाहना को देख पाते हैं, भले ही अपनी योग्यता को नहीं देख पाते, अपने व्यवहार को, अपनी भागीदारी को, अपने दूसरे के साथ हम कैसा जी रहे हैं इसको नहीं देख पाते, परंतु चाहना के प्रति अस्पष्ट रहते हैं। और जब दूसरे को देखते हैं तो उसकी चाहना के प्रति अस्पष्ट रहते हैं, और ये जो हमने मिक्सअप कर दिया, अपनी चाहना को देखा, दूसरे की चाहना को नहीं देखा, उसकी सिर्फ अयोग्यता को देखा, है ना, ये समाज संबंध में है ना एक मुख्य समस्या बन जाती है, विश्वास का भाव बन जाता है। तो चाहना और योग्यता, इनको अलग अलग करके देखने की जरूरत है। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है कि योग्यता का मतलब कोई स्किल नहीं, जैसे बात करने की योग्यता, पढ़ाने की योग्यता, कोई औजार चलाने की योग्यता, है ना, कोई एक्सपेरिमेंट करने की योग्यता, वो तो स्किल हुआ। योग्यता का मतलब आपकी समझ का स्तर। तो अगर हम अपने बारे में देखें तो चाहते निरंतर सुखी रहना, परंतु समझ के अभाव में नहीं रह पाते। चाहते हैं दूसरे को सुखी करना, समझ के अभाव में नहीं कर पाते। दूसरा भी समझ के भाव में सुखी न रह पाता, न मुझे कर पाता है, बट चाहने में कोई कमी नहीं है, ये बात दिख जाना ही विश्वास का भाव है। तो जैसे कि कुछ उदाहरण से देखें तो हो सकता है एक गिलास टूट जाए दूसरे के हाथ से गिरकर, हम क्या बोलते हैं तुरंत, दूसरे ने गिलास तोड़ दिया। सामान्य सी बात है, भाषा में देखें तो कैसे निकलता है, दूसरे ने गिलास तोड़ दिया। ये एक इंस्ट्रक्शन लिखा हो सकता है ऑफिस में कि भाई जब भी जाए दरवाजा बंद करें, और किसी से खुला छूट गया, क्या बोलते हैं, उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया, उसने लाइट फैन ऑफ छोड़ दिया। अगर लेट हो गया वो तो लेट लतीफ है। हम हर बार अगर देखें ना तो हम दूसरे का आकलन ऐसे करते हैं, तो अगर दूसरे ने एक बार भी गलती की है तो मैं उसकी चाहना पर शंका करता हूँ, और ये एक निष्कर्ष निकालता हूँ कि वो जानबूझकर गलतियां करता है, फिर मैं विरोध के भाव में आ जाता हूँ जिससे चिड़ और गुस्सा आने लगता है, और इससे मेरा निष्कर्ष बनता है कि दूसरा गलत है, दूसरा तो सुधर ही नहीं सकता। अब आप अपने बारे में देखें तो हम क्या बोलते हैं, मुझसे गिलास टूट गया, मुझसे दरवाजा खुला छूट गया, मैं लेट हो गया, मैं लाइट फैन ऑफ करना भूल गया, क्या लगता है? इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए परिवार में, आप पिछले 2-3 दिन में जो घटनाएं हुई है उसको थोड़ा सा देखिए, ऑफिस में जो आपकी जो घटनाएं हुई है उसको देखिए, क्या ये भेद हम करते हैं कि नहीं अपने आकलन में और दूसरे के आकलन में। दूसरे ने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, दूसरे ने तोड़ दिया, मुझसे टूट गया, दूसरे ने छोड़ दिया, मुझसे छूट गया, दूसरे ने किया, मुझसे हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर मैं वही गलती 100 बार भी करूं
तो मैं अपनी चाहना पे कभी शंका नहीं करता। मैं यही हर बार कहता हूँ कि मुझसे गलती हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं तो विशेष हूँ, है ना। और इससे मेरा निष्कर्ष बनता है कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं बेसिकली अच्छा आदमी हूँ, है ना, ऐसा हम सोच लेते हैं। इसलिए मैं अपनी योग्यता को सुधारने कोई प्रयास भी नहीं करता। दूसरे बार मान लेते हैं कि दूसरा बेसिकली ही गलत है। अब ये हमारे भाव विचार में भेद बना रहता है। अपना आकलन करते हैं तो एक प्रकार से, दूसरे करते हैं दूसरे प्रकार से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी चाहना को देखते हैं, गिलास तोड़ना नहीं चाहते थे, टूट गया, बट दूसरे के हाथ से टूट गया तो हम ये नहीं देख पाते दूसरा तोड़ना नहीं चाहता तो उसे टूट गया। इसको थोड़ा सा फैला के देखिए, है ना, थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं यहाँ पे। हम लौट के देख सकते हैं अपने पिछले एक महीने में जो हमसे व्यवहार हुए हैं, है ना, उनपे हम लौट के देख सकते हैं कि क्या हमारे व्यवहार में चूक हुई है नहीं हुई है, है ना। इसको एक मिनट का पॉज ले लेता हूं मैं। इसको थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए अपने व्यवहार पे, अपने जीने पे, कि पिछले एक महीने में जो मैंने व्यवहार किया है दूसरों के साथ, क्या ये, है ना, चूक मुझसे हुई है कि नहीं। कि अपना आकलन एक प्रकार से किया, दूसरे का आकलन अलग प्रकार से किया। एक पॉज ले रहा हूं मैं, है ना, आपके स्वयं के रिफ्लेक्शन के लिए। अभी मैं कोई प्रश्न नहीं ले रहा आपसे, सिर्फ एक, है ना, समय लिया हम लोगों ने अपने बारे में ऑब्जर्व करने के लिए। इसको थोड़ा देखिए अपने आप में। इसे थोड़ा अपने बारे में ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि जीने में कई बार हमसे ऐसी चूक होती है। इनफैक्ट आप में से जो भी लोग परिवार के साथ बैठे होंगे वो तो आपस में इस पे, इस शिविर के बाद जब ब्रेक होता है तो बातचीत भी कर सकते हैं कि कैसे हम एक दूसरे का आकलन करते हैं और कैसे हम अपना आकलन करते हैं और उसमें कहां विश्वास का अभाव बना रहता है। तो चाहना पे शंका होना संबंधों में समस्या का मुख्य कारण है और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। ये जो हमने अपना, अपनी चाहना पे तो शंका नहीं की, दूसरे की चाहना पे शंका की, अपनी योग्यता के भाव को नहीं देखा, दूसरे की योग्यता के भाव को देखकर उसके बारे में एक राय बना ली, यही परिवार में होता है, यही अड़ोस पड़ोस में होता है, यही हम जब ऑफिस में काम करते हैं साथ साथ तो वहां होता है ना, यही हम समाज में निकलते हैं तो हो जाता है और ये फैलते फैलते पूरे विश्व की समस्या बन जाती है। तो एक रिफ्लेक्शन लेते हैं आपसे, इस पर कुछ प्रश्न लेंगे। तो संबंध में मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। ज्यादातर समय मुझे पता है कि मैं भी कभी कभी गलत हूँ, ये दूसरा चॉइस हो सकता है। मैं आमतौर पर कहाँ से शुरू करता हूँ, पहले अपनी गलती को देखता हूँ या पहले दूसरी गलती को देखता हूँ? कुछ हैंड्स रेज्ड हो तो उनके प्रश्न लेते हैं। जी उदय राम जी, उदय राम जी, विनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? सर नमस्ते, सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां सामने वाले से भी होती है, लेकिन उसके बारे में जो हमारे परसेप्शंस है या जो हमारी पूर्वाग्रह है उनके कारण हम उन चीजों को ज्यादा विस्तृत कर देते हैं और शायद हम उसको इमेजिनेशन के कारण ही हम चीजों में उलझ जाते हैं और उसको गलत मानना शुरू कर देते हैं। सर यहाँ जो दो प्रश्न रखे गए उस पहले प्रश्न का तो जैसा इसमें था कि गलतियां मुझसे होती है तो निश्चित रूप से मुझसे होती है और मैं उसे स्वीकार भी करती हूँ, लेकिन हर बार जैसे दूसरे प्रश्न में है कि सर गलतियां मुझसे होती है और मैं स्वीकार भी कर लेती हूँ लेकिन उसके परिणाम मुझे दूसरे रूप में मिलते हैं तो उसके कारण मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरा गलती स्वीकार करना सामने वाला अपना अधिकार मान लेता है और उसके कारण मुझे परेशानी होती है। तो अगली बार मैं क्या करूंगी कि उस गलती को स्वीकार करने के लिए अपने आप को पहले आकलन करने के बाद में भी मैं कोशिश करूंगी कि उस चीज को
मैं सही ना बताऊं, शायद ये भी एक कारण हो सकता है सर। देखिए दो बातें हैं, एक तो इस तरह का रिस्पांस शुरुआत में तो आ सकता है ना, परंतु जब आप इतनी निष्ठा के साथ किसी भी संबंध का निर्वाह करती हैं, तो दूसरा धीरे धीरे उसको अप्रिशिएट कर पाता है कि वो तो अपनी गलती को छुपा लेता है, आप अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार भी लेती हैं, तो इससे आप पाएंगे कि दूसरे के अंदर आपके प्रति संबंध में एक सम्मान का भाव आता है, निष्ठा का भाव आता है। दूसरी बात, गलतियां स्वीकारना एक भाग है, दूसरा जब हम देखते हैं अपनी गलती को, देखते हैं दूसरी गलती को, तो इन दोनों में अंतर करते हैं क्या या समान रूप से देखते हैं, ये देखने की बात है। सर मैं जिस रूप में इन चीजों को देखती हूँ, जब भी अगर कोई गलती करता है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने को उसके जगह खड़ा करके देखूं, शायद ये मेरी कमजोरी हो जाती है उस समय, क्योंकि जब मैं आकलन करती हूँ और उसे प्रिविलेज देती हूँ या उसे बचाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे परिवार में अक्सर ये बात होती है कि तुम हमेशा अपने आप को पीछे रख के काम करते हो, मैं नहीं जानती मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले का एनालिसिस करके उसे ये देखने की कोशिश करती हूँ कि नहीं वो गलत हो सकता है, वो उसने गलती की होगी, तो मेरे परिवार वाले जो भी मेरे मतलब बच्चे वगैरह हैं, वो ये कहते हैं कि इसके कारण तुम दूसरों की गलतियों को बढ़ावा देती हो। आई डोंट नो ये सही है या गलत है। वही इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, तो सिंपली यहाँ पे रुक जाना कि दूसरे ने गलती की और हम उस गलती को देख पाए कि चाहने के बावजूद उससे गलती, मतलब नहीं चाहने के बावजूद उससे गलती हो गई, ये पर्याप्त नहीं है। इसके आगे जब हम लोग बात करेंगे सम्मान का, तो और स्पष्ट होगा कि अगर कहीं दूसरे की गलती भी हो रही है तो अब उस गलती को सही करने में हमारी भागीदारी क्या होगी। अगर वो स्पष्ट नहीं है और यहाँ रुक जाएंगे तो घटनाएं बार बार होंगी। बट मैं कहूँगा फिर भी अभी थोड़ा रुक कर देख लीजिए कि आपके अंदर दूसरे की चाहना पर शंका बनी रहती है या शंका नहीं होती है, इसको थोड़ा सा आराम से देख लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। जी अतुल जी, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ सभी को नमस्कार। मेरा ये कहना है कि जो आप बता रहे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको क्लियर किया हुआ है कि किस प्रकार से हम अपनी चाहत में, अपनी चाहना में अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, और अगर संबंध समझ के साथ बन रहे हैं और उनमें समझ है तो निश्चित रूप से विरोध नहीं होगा। जहाँ विरोध नहीं होगा वहाँ हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि हम अपना आकलन तभी कर सकते हैं जब हम उसकी जगह रख करके अपने बारे में सोचे कि हाँ दोनों की गलतियां हैं, और अगर मेरी गलती ज्यादा है तो मैं उसको स्वीकार करूँ, अगर उसकी गलती ज्यादा है तो उसको माफ कर सकूँ। इस प्रकार की अगर भावनाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारे संबंध सुदृढ़ होंगे, जहां तक मेरा मानना है। बहुत अच्छे से आप उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्ते। बढ़िया। कमलेश जी, तो जो आपसे रिफ्लेक्शन लिया था ना, अगर उसमें देखें तो बहुत अच्छी बात है। 75% लोगों ने कहा है कि मुझे पता है कि कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ या होती हूँ। और जी एक मिनट कमलेश जी, बस मैं आता हूँ। और ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं अपनी गलतियों को देखने से शुरू करते हैं, करता हूँ या करती हूँ। अच्छी बात है। जी जी कमलेश जी बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने जनरली, चूंकि इसके पहले जब तक मैं राजन संस्थान से नहीं जुड़ा था तब तक तो दूसरों की कमी या दूसरों की गलतियां ज्यादा देखता था, अपनी कम देखता था, लेकिन जब से इस संस्थान से जुड़ा तो जनरली मैंने ये देखा कि अपने गलती को मैं पहले रखता हूँ और उसमें विचार करता हूँ, और अपने को अगर समझ में आता है कि नहीं ये हमारी गलती है तो उसमें सामने वाले की गलती के जब बताने का प्रयास करता हूँ कि नहीं इसमें वो भी उस रास्ते पे आ जाए, लेकिन सामने वाले को अगर गलती का एहसास नहीं होता है और अपन देखते हैं कि वो सामाजिक दृष्टि भी या कार्यस्थल में या परिवार में भी। आपकी आवाज रुक जा रही है बीच में। हाँ, उसका एक अलग ऐसे जाता है, और सामने वाला अगर अपनी गलती को नहीं सुधारना चाहता या नहीं मानना चाहता तो उसमें अपन को क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी देखिए तो चाहने पे शंका शामिल होगी जब हम कह रहे हैं कि नहीं सुधारना चाहता, ऐसा नहीं है, वो गलती कर रहा है और कोई भी समझ के गलती नहीं करता है ना, समझ कर तो हम गलती कर ही नहीं सकते, यानी इसमें समझ का अभाव है, और हमको ये देखना बनता है कि उसमें समझ की पूर्णता कैसे आएगी, समझ कैसे पूरा होगा उसमें, इस बात को देख पाएंगे तो इस उलझन से निकल पाएंगे। समझ की पूर्णता,
तो अगले के व्यक्ति के अंदर समझ की पूर्णता कैसे हो जाए, अगर ये हमको स्पष्ट है तो फिर हम उलझन से निकल पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। बढ़िया, तो बहुत अच्छा, आप सभी लोग काफी गहराई से चीजों को देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर संबंध में होने वाली सामान्य गलती को देखें, जो कॉमन मिस्टेक है, तो मैं अपना मूल्यांकन अपनी चाहना के आधार पर करता हूं और दूसरे का मूल्यांकन उसकी योग्यता, उसमें भी उसकी कमी के आधार पर करता हूं। मैं उसकी चाहना पर शंका करता हूं, उसकी योग्यता की कमी को उसकी चाहना की कमी मानता हूं, और फिर मेरे अंदर विरोध का भाव फैलता है ना, चीड़ आती है, खीज होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, और मैं दूसरे से कई दिनों तक बात नहीं करता, थोड़ा संबंध भी तोड़ लेता हूं, और इस तरह से कई अच्छे मित्र हमने खो दिए होंगे। इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किसी योग्यता की कमी के कारण है ना कोई संबंध में कठिनाई आई और हमने चाहना पर शंका कर ली और फिर वो है ना कहीं ना कहीं जाके संबंध ही टूट गया। तो चाहना पर शंका होना संबंधों में समस्या का एक मुख्य कारण है, इसको थोड़ा सा अपने अंदर ऑब्जर्व करिए, है ना। तो अगर हम अपनी कल्पनाशीलता को देखें तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारी एक गहरी मान्यता बन जाती है कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है। ये जो चाहना पे शंका है ये हमारा एक मेजर मान्यता बन जाता है, प्रमुख मान्यता बन जाती है, और संबंधों में ये मान्यता बहुत परेशान करती है। अगर हमको दिख जाए कि दुखी नहीं करना चाहता है, दुखी है इसलिए दुखी कर रहा है, तो फिर हम उसके लिए सहयोगी होकर विचार करेंगे, है ना, हमारे अंदर अलग तरह का भाव आएगा कि कैसे इसकी समझ बने ताकि ये सुखी हो पाए, ताकि मेरे साथ सही से जी पाए। अदरवाइज है ना हम उसकी चाहना पर शंका करके उसके प्रति खींच, चीड़, गुस्सा, क्रोध, विरोध, प्रतिशोध, ये सब पालते रहते हैं। और दूसरे ने तो कभी एक बार गलती की, उसके प्रति जो आपके अंदर चीड़ हो गया, क्रोध हो गया, है ना, वो तो आपको हो सकता है कई दिनों तक, कई महीनों तक, वर्षों तक भी चलता रहे कि नहीं। ऐसा तो हम लोग समाज में बहुत सारी कहानियां भी सुनते रहते हैं कि कैसे है ना एक दूसरे के चाहना पर शंका करके प्रतिशोध लेने की एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार एक रिवाज सा बन जाता है। तो अगर हम देखें तो इच्छा और सहज स्वीकृति में अंतर है। इच्छा तो हमारे तीनों जगह से आ सकती है, मान्यता से भी, सहज स्वीकृति से भी और संवेदना से भी, पर सहज स्वीकृति तो यहाँ है ना, जो हमारी निश्चित है। तो ये भी देखने की बात है कि कई बार हम दूसरे की इच्छा को उसकी सहज स्वीकृति मान लेते हैं। दूसरे के अंदर इच्छा हो सकती है आपके अहित की, इच्छा हो सकती है आपको नुकसान पहुंचाने की, बट ये इच्छा है, उसकी सहज स्वीकृति नहीं है, कोई मान्यता के तहत है, कंडीशनिंग गलत हो गई है। जैसे हमारी बहुत सारी मान्यताएं गलत हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सुविधा के असीमित संग्रह की मान्यता बन जाए तो दूसरे को सुखी करने की चाहना के बावजूद दूसरे को शोषण करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि अगर शोषण नहीं करेगा तो सीमित सुविधा से कैसे रहेगा, तो उसको असीमित सुविधा बनानी है तो दूसरे का फिर वो शोषण करने के लिए बाध्य हो जाता है, फिर उसको शोषण करता रहता है। अगले व्यक्ति को दिख रहा है कि इसकी इच्छा गलत है, परंतु वो उसकी सहज स्वीकृति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जो मान्यता बन गई असीमित सुविधा संग्रह से सुख, उसके कारण ऐसा कर रहा है। ये बात हमको दिख जाए है ना तो आपको पता लगेगा कि हम सबके अंदर ये जो चाहना पे शंका है ये एक मेजर प्री कंडीशनिंग, एक बड़ी मान्यता है जिसके कारण हम संबंधों में दुख भोगते रहते हैं। तो अगर हम स्व मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि यदि आप बिना शर्त दूसरे की चाहना यानी सहज स्वीकृति पर निरंतर विश्वास करते हैं और दूसरे की योग्यता में कमी पाते हैं तो आप क्या करेंगे। इन चारों में से अगर देखें, इस पे आपका चॉइस लेते हैं कि अगर बिना शर्त दूसरे की चाहना यानी सहज स्वीकृति पर आश्वस्त होते हैं और दूसरे की योग्यता में कमी पाते हैं तो आप क्या करेंगे। उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपनी योग्यता को बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं, या चिढ़ जाते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध का भाव रखते हैं, क्या करते हैं, इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए। तब तक मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। संजय जी ने हैंड रेज किया था, आई होप है ना कनेक्टेड है संजय जी। कोई और अगर प्रश्न करना चाहें इस पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया बात है, मुझे लग रहा है अभी कोई हैंड रेज नहीं हो रहा, लोगों को बात ठीक लग रही है और बात समझ में भी आ रही है। जी विनीता जी कुछ कहना चाह रही है। सर जैसे अगर कोई रिएक्ट करता है या उसके लिए सफल नहीं हो पाता है तो
मेरा चिढ़ जाना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार घटना हो जाने के कारण मेरे मन में उसके प्रति एक धारणा बन जाती है जो विरोध की भावना बन जाती है। और ये विरोध की भावना शायद इसलिए बनती है क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति शायद करना ही नहीं चाहता। अब वो आपके कहने के हिसाब से वो बात सही है कि वो चाहना के हम किसी की चाहना का आकलन उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके व्यवहार के आधार पर हम उसकी चाहना का आकलन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ उस परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति में आपके आपको सुखी करना चाहता है या नहीं, आपके साथ सहमत होना चाहता है या नहीं, आपके साथ मिलकर रहना चाहता है या नहीं, या आपके उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है या नहीं। रुकिए, आपको बात अभी स्पष्ट नहीं हुई। तो अभी आपने जो कहा ना, तो ये फिर क्या हुआ कि दूसरे के व्यवहार को देखकर यदि आप उसके चाहना का आकलन करते हैं, यानी फिर वही गलती हो गई जो पहले से बात हो रही है, यानी आप उसकी चाहना के प्रति स्पष्ट नहीं है। अदरवाइज हमको तो दिख सकता है कि व्यवहार कोई जैसे भी करे, चाहना तो उसकी शुद्ध है, चाहना तो ठीक है, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, बट प्री कंडीशनिंग के कारण गलत व्यवहार कर रहा है। इसको और थोड़ा ऑब्जर्व करिए, बहुत हड़बड़ी ना करें, है ना। क्या है, अभी बहुत सारी चीजों को हमने माना हुआ है, उसके बहुत सारा विचार किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन अभी ड्यू है ना, उसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करिए। सर मैं ये प्रश्न बार बार इसलिए कर रही हूँ कि मैं कुछ अपने निकटस्थ व्यक्ति हैं जिन्हें मैं वाकई में चाहती हूँ कि उनमें सुधार हो, और वो सुधार मतलब मैं ही चाहती हूँ कि उनके नजदीक जाऊं, उनसे बात करूं, उन्हें समझाऊं, उन्हें अपने नजदीक लेके आऊं, लेकिन ये दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। वही तो आप पहले अपने आप में देखिए, पहले अपने आप में देखिए कि क्या उनकी चाहना के प्रति आप आश्वस्त हैं या चाहना पे शंका है आपको, इसको देख लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी करने की बात नहीं है, है ना जी सर। है कि जिसको आप ही शायद कह रहे थे ना, रिफ्लेक्स एक्शन, या कोई साथी कह रहे थे जी, जी, जी। अगर आपके अंदर दूसरे की चाहना पे शंका है ना, तो आपके चेहरे से बहुत सारा ऐसा एक्सप्रेशन निकल जाता है जैसे अगला व्यक्ति सामने से आए और आपने थोड़ा सा, आपने नहीं किया, हो सकता किसी ने भी मुंह बिचका दिया। अगले ने तो ऑब्जर्व कर लिया, आपने नहीं किया, अब आप क्रोध का भाव कन्वे हो गया अगले व्यक्ति को। अब आपका चाहे जितना भी सूदिंग वर्ड यूज करें, अगले को कन्वे हो गया कि आपके अंदर भाव क्या है। तो इसको तो थोड़ा बारीकी से देखिए, मुझे अगले व्यक्ति की चाहना के प्रति शंका है या आश्वस्ति है। जी जी, बड़ी ना करें। जी सर। रूपा जी, तृप्ति जी, जी तृप्ति जी बताएं। सर मेरा माइक स्टार्ट हो गया? जी जी हो गया है। जी सर, सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने पूछा है कि उनकी योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं क्या सहज स्वीकृति के साथ, कई बार सर हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमको ये समझ आता है कि हाँ दूसरे को ये चीज नहीं आती। जैसे मान लीजिए मुझे मोबाइल में बहुत सारी चीजें नहीं आती और मैं घर में आके बच्चों से पूछती हूँ, बच्चों से बोलती हूँ कि इसको मैं कैसे करूँ, और फिर मैं उसे सीख के आगे करती हूँ। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि दूसरे को भी नहीं आता, मैं उसे सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो वो व्यक्ति जब सीखना नहीं चाहता या उसको नहीं करना चाहता, ये कह के टाल देता है कि वो सब में आप जैसा दिमाग नहीं होता, हम आप जितने होशियार नहीं है, और जब जरूरत पड़ती है तब अपने हिसाब से मोटिवेट वो कर लेता है कि मुझे तो सब आता है, सब मैं करती हूँ या करता हूँ एक्स वाई जेड इस तरीके से, तब उस कंडीशन में जरूर चिढ़ होती है या गुस्सा आता है। वरना तो हम यही चाहते हैं कि सामने वाला सीख जाए और वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, कहीं कोई दिक्कत ही ना आए। वही, बट ये जो चिड़ आ जा रहा है ना, उसको और थोड़ा सा अपने अंदर आप परख के देखिए कि पहले से ही हमारे अंदर उसकी चाहना के प्रति आश्वस्ति का भाव बना रहता है, और उसके बाद हम जब इंटरेक्ट करने जाते हैं तो किसी स्थिति विशेष में, घटना विशेष में, वो जो अभाव है उसके चाहना के, जो शंका है उसकी, जो आश्वस्ति का अभाव है, वो उभर कर सामने आ जाता है। नहीं पर कोई सीखना नहीं चाहता बार बार सिखाने पर भी, तब क्या किया जाए? वही देखिए, जो सीखना नहीं चाहता हमने मान लिया ना जी, उसको आप देखिए सीखना नहीं चाहता या सीखने का प्रयास नहीं कर रहा, इन दोनों में अंतर है। नहीं, दोनों ही चीजें हैं, चाहता भी नहीं है, प्रयास भी नहीं कर रहा। वो अपने काम को इतना बढ़ा चढ़ा के बता देना कि भाई मैं तो इतना कर लेता हूँ और क्या कर लेती हूँ, देन और फिर जब जरूरत पड़े, जब काम करवाना हो, तब ये कहते सब में आप जैसा दिमाग नहीं होता, मतलब इस तरीके से चीजों को टालना। वही तो, उसमें कहीं ना कहीं ये भाव बना हुआ है कि सीखने की आवश्यकता नहीं है, है ना, और जब आवश्यकता पड़े तो आपसे काम ले लेगा वो। ये एक मान्यता है, ये है ना, कि भाई हर चीज हम क्यों सीखे,
ना कोई व्यक्ति उपलब्ध है उसका सहयोग ले लेंगे या उसे करवा लेंगे, बट जो सहज स्वीकृति है उसकी वो आपका शोषण करने की है या आपके साथ एक संबंध का निर्वाह करने की है, ये थोड़ा देखने में बात है। तो अगर हमने सर शोषण तो खैर नहीं है, शोषण कोई क्या करेगा इतनी छोटी छोटी चीजों में, ये शोषण की नहीं है, ये केवल एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा बचाव किसी भी चीज से, एक मतलब हम किसी चीज की जिम्मेदारी से या उससे बचना चाहते हैं, वो कुछ इस तरीके का भाव हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए, बचना चाहते हैं या बचने का प्रयास करते हैं। बचने का प्रयास, हाँ, अगर ये हमको स्पष्ट रूप से दिख जाए कि प्रयास एक चीज है, चाहना अलग चीज है, उसको थोड़ा और ऑब्जर्व करिए, है ना, कि प्रयास तो हर तरह का हो सकता है, है ना, बट चाहना अपने आप में एक निश्चित बात है। ठीक है जी, इसको ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा, है ना, अपने आप में ही। जी मुझे लगता है रूपा जी तो अपनी बात रख चुकी हैं। हाँ, मैं रूप, हाँ, सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा बोल रही हूँ। जी आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी स्पष्ट रूप से। हाँ सर, मैं इस बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जैसे इसमें दिखा है कि मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं निरंतर विश्वास करती हूँ और सामने वाले से काम योग्यता के हिसाब से उसको सिखाना चाहती हूँ, सपोज करो कोई चीज उसको मॉरल ड्यूटी है, उसको रियलाइज कराना चाहती हूँ, और कई बार कोशिश करती हूँ और जब नहीं होता है तो मैं सोचती हूँ कि शायद मुझमें बताने का या समझाने का तरीका सही नहीं था, और मैं हर बार अपने को ही इवैल्यूएट करती हूँ। अल्पविराम के बाद शायद मैंने ये बात को सीखा कि पहला हमारा दायित्व है कि शायद हमें ही कहीं कमी है और उसको हम इम्प्रूव करें, बट मुझे लगता है एक उसका कोई कट ऑफ होगा, फिर कब तक हम अपने को इम्प्रूव करने का सोचे, सामने वाला अगर कन्विंस नहीं हो रहा है किसी चीज को सीखने का या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने का, तो वो कौन सी कट ऑफ होनी चाहिए? जी तो उससे फिर हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि अगले व्यक्ति की कोई बहुत गहरी मान्यता है जिससे वो अपने आप में परिवर्तन नहीं ला पा रहा है ना, उस मान्यता को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसका हम सोचेंगे कैसे समाधान निकाला जाए। वो समाधान आपके करने से भी हो सकता है, किसी अन्य के करने से भी हो सकता है, है ना। तो जैसे ये वर्कशॉप हो रहा है तो ये भी एक समाधान है, इस वर्कशॉप में अगर हम इन समझ के मूल मुद्दों पे बात करें तो हम सब पर ध्यान जा सकता है, ऐसा ही प्रयास अगले व्यक्ति के साथ भी हो सकता है कि नहीं। सर कोशिश तो हम कई बार करते हैं बट अगर कोई नहीं है, रेजिस्टेंस है या एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस बात का कि हमें बदलाव लाना है या जो है इजी गोइंग वे में चल रहा है, तो अभी हम तब तक प्रयासरत रहेंगे। अभी हम दूसरे में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं परंतु जो वांछित स्थिति अगर हमको स्पष्ट ना हो, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई सिलेक्शन है जिसको हम पूरा करने के लिए अगले को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, बट वो सिलेक्शन जो हमने अपने लिए कर रखा है दूसरे उसको महत्व को नहीं देख पा रहा। अच्छा ठीक है ना, अब वैसा भी अगर दूसरा व्यक्ति कोई आपके प्रति सिलेक्शन करके रख सकता है जिसको आप महत्व को नहीं देख पा रहे। तो सर इसमें मतलब अपनी मतलब हमको अपने को ही समझना होगा क्या, मतलब इसको अपन कंक्लूड कैसे करेंगे, मान्यता अगर मेरी है या सामने वाले की फिक्स हो चुकी है तो उसको परिवर्तित करना भी तो जरूरी है ना सर, जैसे मालूम है कि आगे चल के वो उसको नुकसान करेगा, अच्छा नहीं है। देखिए परिवर्तन करने का मतलब ये हुआ कि अभी जो स्थिति है उससे हम कोई दूसरी स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जी, अभी दूसरी स्थिति है वो हमको स्पष्ट है कि नहीं? स्पष्ट है सर, वो स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, अभी जिस परिवर्तन करके जिस स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो देखिए ना ये बात हो रही थी ना कि हम अपने आप में समझ की पूर्णता को इंश्योर कर पाए, तो अगर ये हमारी दूसरी स्थिति है तो उसके लिए हम एक तरह से प्रयास करेंगे, हमारा कहा हुआ मान ले अगला व्यक्ति तो एक अलग तरह की स्थिति बन जाती है, इसके लिए दूसरे में रेजिस्टेंस हो सकता है कई बार हम। तो सर मतलब वो रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम करें, मतलब उसको समझना जी ये मुख्य मुद्दा नहीं है कि आपकी कही हुई बात के अनुसार दूसरा चले, मुख्य मुद्दा ये है सर्वव्यापी है, जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए ही वो सही है, जो जनरलाइज वे में है या अपन आज की तारीख में माने कोई चीज ऐसी होती है जो सभी के लिए बेनिफिशियल है लेकिन नहीं मानता है अगर कोई, तो उसको समझाइश कैसे। अब सपोज करो जो कोरोना का टाइम है, मास्क लगाने का एक है अनिवार्यता है, उसको हम कई बार समझा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं बट लोग नहीं मान रहे, जबकि वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, बट अपन मीडिया के थ्रू समझाइश के थ्रू अपन बार बार बता रहे हैं बट लोग नहीं समझ रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि वो हॉस्पिटलाइज होकर के ही उसको रियलाइज हो, वो बहुत कठिन है, बहुत रिस्की है। वही तो, आप अगले से पहले बात करिए कि क्यों नहीं लगा रहा मास्क। एक एग्जांपल दिया सर मैंने आज के करंट सिनेरियो के बेस पे, एग्जांपल में कह रहा हूँ कि मास्क लगाने से हो सकता है इस रोग से वो बचे, ये एक
है ना चॉइस है। दूसरा है कि मास्क लगाने से हो सकता है उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, अब उसके लिए उस क्षण में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सांस आसानी से ले भले ही रोग हो जाए, तो उसने प्रायोरिटी कुछ और बना रखी है। आपके लिए प्रायोरिटी उसका हेल्थ, जिसलिए आप मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए प्रायोरिटी है कि सांस तो ठीक से लेने में मिले, है ना। कौन सा हमने पैदा किया इस बीमारी को कि हम उसके लिए सजा भुगते हैं? नहीं सर, ये कि सांस लेने वाली दिक्कत नहीं, कैजुअल एटीट्यूड है जैसे कि ना, कि क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, या ठीक है मैं तो ठीक हो जाऊंगा, एक कैजुअल एटीट्यूड होता है ना सर, मैं उसके बारे में बात कर रही हूं जैसे एग्जांपल के तौर पे। हाँ, इसी को थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि आपके अंदर भी ऐसा बहुत सारा कुछ होगा, तो आप भी अपने साथ बहुत सारे चॉइस लेके चलते हैं, है ना। जी सर, जी सर। तो किसी एक चॉइस पे हम कंडीशन रहते हैं कि इसको पूरा करना, किसी अगले चॉइस पे नहीं कंडीशन रहते हैं इसको पूरा करने के लिए। लेटर से कोई आपसे कहता होगा कि आप जब भी रूम से बाहर जाएं लाइट फैन ऑफ कर दें, है ना, आपको उसका महत्व तो नहीं दिखता, तो अगले व्यक्ति को लगता है कि इतनी बार कहने के बावजूद ये बात क्यों नहीं मानते, आपको उसका महत्व नहीं दिख रहा है ना किसी कारण से, तो आप उसको नहीं पूरा करते हैं। जब दिख जाएगा तभी तो सोल्यूशन नहीं हो पाता ना, कोई भी चीज का सोल्यूशन तभी तो नहीं हो पा रहा कि हर कोई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चल रहा है, तो फिर इस चीज की समझाइश कैसे हो। वही तो कर रहे हैं अभी, तो सोल्यूशन ये है कि मान्यता को पूरा कर लेने में कोई समाधान नहीं है, समाधान इस बात में है कि हमारे अंदर सही समझ हो जाए, और सही समझ के लिए सारा हम लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, कि अभी हम स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था को समझ सकते हैं और समझ पाते हैं जांचने के द्वारा, ना इसको जी कर देखने के आधार पर। ये काम पहले हम अपने लिए करें, ठीक है ना, तब हमको दूसरे के लिए भी कार्यक्रम समझ में आएगा। जब हम सम्मान की बात करेंगे तो और स्पष्ट होगा कि जब हमको अपना कार्यक्रम स्पष्ट होता है तब तो हम दूसरे के लिए भी कार्यक्रम बना सकते हैं। अभी हमको अपना ही कार्यक्रम स्पष्ट ना हो, हमारा अपना कार्यक्रम किसी मान्यता संवेदना से आ रहा हो, तो दूसरे के लिए कैसे बनाएंगे। सर जीवन के इतने सारे पहलू हैं, हर जगह मान्यता या पूर्वाग्रह से अपन ग्रसित होते हैं, अपन धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, नो डाउट, ऐसे वर्कशॉप और ऐसी चीजों से अपन जुड़ के इम्प्रूव करते हैं, बट बहुत लंबा समय है और बहुत सारे क्षेत्र है सर। अभी आपने काम शुरू किया है, थोड़ा उसको धैर्यपूर्वक चले, ठीक है। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। मुझे एक मिनट का बस समय दीजिए, एक सेकेंड। हाँ बताइए। जी तो ये देखने की बात है, इसमें जो आपका रिस्पांस मिला इसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना, और करते हैं, बट कई लोग ये भी कह रहे हैं चिढ़ जाते हैं। इसको और थोड़ा सा ठीक से देखा जाए कि कितनी बार हम योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कितनी बार हम चिढ़ जाते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध का भाव रखते हैं। तो अगर चाहना पे विश्वास होगा तो हमारे अंदर ये तैयारी होगी दूसरे की योग्यता को बढ़ाने की, बट यदि चाहना पे शंका होगी तो प्रतिक्रिया आएगी। ये जिम्मेदारी का भाव मतलब रिस्पांस, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। तो ये देखने में आएगा आपको कि कई बार हम रिएक्ट करते हैं दूसरे के प्रति, कभी कभी रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी अपने आप में देखिए, अपने परिवार में और दोस्तों में कितने लोगों की चाहना यानी सहस्वीकृति पे आप विश्वास का भाव रख पाते हैं, इसको थोड़ा अपने आप में ऑब्जर्व करिए, है ना, और वो भी बिना शर्त के निरंतर। मैं इस पे आपका एक रिफ्लेक्शन ले लेता हूं। तो आप कितने लोगों की चाहना के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, हो पाते हैं बिना शर्त निरंतर, यानी कभी भी उनके प्रति चिढ़ नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, विरोध का भाव नहीं रखते हर किसी पर, कुछ लोगों पर या किसी पर नहीं। कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, मैं ले लेता हूं जिनसे अभी तक नहीं बातचीत हो पाई है। रश्मि जी, जेपी आनंद जी, जी हेलो, सभी को नमस्कार। आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो पहला अभी चल रहा था कि हमारे पास जो ज्ञान है उसको विस्तार करना है, ज्ञान किसी को देके जाना है, तो यदि वो नहीं समझना चाहता है तब भी हमको एक हमारा दायित्व बनता है उसको किसी हद तक उसको समझाया जाए, क्योंकि ये ज्ञान अपने पास रखे कुछ काम नहीं आने वाला, ये ज्ञान उसको जाना है, उससे कुछ चीज़ें आगे ठीक होनी है। तो ये जैसा क्लास टीचर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, पेशेंट है, कस्टमर है, बैंक है, कस्टमर है, तो ये थोड़ा थोड़ा दायित्व बनता है
क्योंकि हम जानते हैं, हमें अनुभव है कि ये ज्ञान देने से कुछ फायदा होगा, वो नहीं जानता है, वो नहीं जान रहा है कि मैं ज्ञान क्यों नहीं ले रहा हूँ। उसको इतना भी सिखाना है कि थोड़ा सा ज्ञान लो तो ज्ञान से कुशलता है, निपुणता है, क्योंकि रिस्क है। आपको यदि ज्ञान नहीं होगा किसी बात को जानकारी तो रिस्क है। आप ऐसे अंधे रास्ते में जा रहे हो, आगे कुछ खतरा है, वो खतरे को बताना उसको जरूरी है। तो मैं तो ऐसा क्रोध नहीं करता हूँ, और मेरे पास जो योग्यता है, जो ज्ञान है, उसको कैसे तो भी उसको बांटता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इतना परसेंटेज है कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते, जो समझ जाते हैं अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, बढ़िया। तो निकल कर आता है कि कुछ लोगों पर तो है ना चिढ़, गुस्सा, विरोध का भाव, यह हमें आता रहता है। अब एक दूसरा रिफ्लेक्शन लेते हैं आपसे, क्या लगता है क्योंकि कोई दूसरा गलतियां करता है क्योंकि वह योग्यता में कमी रखता है या कौशल में कमी रखता है, या वह ऐसा ही है कभी बदल नहीं सकता, या जानबूझकर करता है। वैसे अपने बारे में देख लें कि मैं गलतियां करता हूं कि मैं योग्यता में कमी रखता हूं या कौशल में कमी रखता हूं, या ऐसा ही बदल नहीं सकता, या जानबूझकर करता हूं। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, तब तक दो प्रश्न ले लेते हैं। जी गजेंद्र जी। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर। ये जो था, यदि आप बिना शर्त दूसरे की चाहना पर निरंतर विश्वास करते हैं तो जो हमने विकल्प चुना उनकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपनी योग्यता को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको मैं अपने अनुभव या उदाहरण से रख रहा हूँ आपके सामने, आप बताइएगा क्या मैं सही सोच रहा हूँ। थोड़ा सा ऐसा करेंगे, उदाहरण या तो बाद में कभी ले लेते हैं ना, कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। नहीं सर, प्रश्न अभी नहीं है। अच्छा ठीक है। शरीफ जी। जी सर, ये आपके प्रश्न में स्वतः स्पष्ट है, चार बातें हैं। एक तो बिना शर्त, मतलब कोई कंडीशन नहीं होना है। दूसरा है कि दूसरे की सहज स्वीकृति, और तीसरी बात है निरंतर विश्वास। बिना शर्त, दूसरे की सहज स्वीकृति, तीसरा नंबर है निरंतर विश्वास, और दूसरों की योग्यता में कमी पाते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उसकी हम अपनी योग्यता को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक विकल्प निकल के आ सके। बढ़िया, सुंदर। तो अगर आपके जो रिफ्लेक्शंस हैं उसको देखें तो आप कई लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि दूसरा गलतियां करता है क्योंकि योग्यता में कमी रखता है, और मैं भी गलतियां करता हूँ क्योंकि योग्यता में कमी रखता हूँ। ना दूसरे की चाहना में कमी है, ना हमारी चाहना में कमी है। बहुत सुंदर। तो यह मूल बात है, चाहना पर विश्वास संबंधों का आधार है, और आप इस बात से अगर जांच परख करेंगे तो पाएंगे संबंध के बारे में अपनी समझ की स्थिति का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर हम दूसरे की योग्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तब तो हमारे अंदर एक विश्वास का भाव है। अगर हम चिढ़ रहे हैं, खींच रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, है ना, तो उससे पता लगता है कि अभी हम संबंध में भी कितने सुलझे हुए हैं, हम संबंध में कितने आराम में हैं। तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ी सी जांच परख से इस प्रश्न चिन्ह पे भी टिक मार्क लग सकता है कि जैसे मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, वैसे दूसरा भी है। अब यहाँ प्रश्न चिन्ह की जरूरत नहीं, योग्यता में हमारी भी कमी है, योग्यता में अगले की भी कमी है। ये विश्वास का अर्थ हुआ, यानी दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, इस बात की स्पष्टता हो गई। तभी जो बातचीत हुई ना, ये आपके विचार में समाया है, आपने इसे विचार किया है, ध्यान दिया है, परंतु ये इसका निष्कर्ष यह निकाला जाए कि आपके अंदर दूसरे की चाहना पर आश्वस्ती बन गई, उस पर तो आपको अपने अंदर जांचने और जी कर देखने की जरूरत पड़ेगी, इसमें समय लग सकता है ना। परंतु थोड़ी सी जांच परख जो हमने की उससे निष्कर्ष तो निकल आता है कि हाँ, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, जितनी योग्यता होगी उतना कर पाएगा। तो अगर हम अपने साथ जुड़े लोगों का अगर थोड़ा सा आकलन करें, जैसे आप यहाँ हैं, स्वयं वन कह दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा अगर गणित की भाषा में देखें तो स्वयं आई जे के ऐसा लिखा हुआ है, तो पाएंगे आपकी चाहना यानी सहज स्वीकृति में सभी समान है,
बट लोगों की जो योग्यता है वो भिन्न भिन्न है। तो हो सकता आप यहाँ हैं, है ना, आपकी कल्पनाशीलता का एक भाग सहस्वीकृति से है, एक भाग संवेदना से है, एक बड़ा भाग मान्यता से है, दूसरा आप और कम योग्य है, उसकी सहस्वीकृति से बहुत थोड़ा भाग है और संवेदनाओं का बहुत बड़ा बोझ है उसकी मान्यताओं पे, उसकी कल्पना पे, बट कोई और है जो आपसे ज्यादा योग्य है, उसमें ज्यादा समझ है, कोई और कुछ और भी हो सकता है। तो हम परिवार में देखें, संस्थाओं में देखें, तो ऐसा एक वेरिएशन दिखाई देगा। चाहने में सभी समान है बट हमारी मान्यताओं का अलग अलग प्रकार से शेयर है, संवेदनाओं पे जो परतंत्रता है उसका अलग अलग शेयर है, और समझ भी किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ये हमको दिख सकता है। तो निष्कर्ष क्या है कि चाहना पे हमको विश्वास हो पाता है, मैं देख पाता हूँ कि दूसरे की जो सहस्वीकृति है, चाहना है, वो मुझको सुखी करने की ही है, इसको पूरा करने की योग्यता उसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जैसे हम लोग कल अपनी कल्पनाशीलता का अध्ययन कर रहे थे, तो ये छोटा सा भाग हमारी योग्यता है और ये बड़ा सा भाग अयोग्यता है, चाहे मान्यता से आए चाहे संवेदना से आए। तो आप यहाँ हैं, कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति यहाँ है, ऐसे पूरे विश्व में देख सकते हैं। तो विश्वास को अगर थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो निकल कर आता है कि विश्व के प्रति आश्वस्ति, मुझे दिखता है कि विश्व का हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, जितना समझ पाता है उतना जी पाता है, उतने दूसरे के साथ है ना आचरण कर पाता है, व्यवहार कर पाता है। बट ठीक है, अभी अपने आप से शुरू करें, अपने आप में देखना शुरू करें। तो अभी आपको निष्कर्ष बनेगा कि दुर्घटनावश गिलास टूट गया मुझसे, दूसरे से भी दुर्घटनावश, यानी दूसरे से गिलास दुर्घटनावश टूट गया, मुझसे भी दुर्घटनावश गिलास टूट गया। तो यदि दूसरा उस गलती को 100 बार भी करता है तो मुझे उसकी चाहना स्पष्ट रहती है, मैं जानता हूँ कि योग्यता में कमी कारण उससे गलती हुई है, ना कि चाहना कमी कारण, और स्नेह के भाव के साथ में उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि दूसरे को समझने में कठिनाई हो सकती है और मेरे समझाने में भी कठिनाई हो सकती है, यदि दूसरा नहीं समझ पा रहा तो कहीं ना कहीं मेरे समझाने में भी कमी हो सकती है, और हो सकता है मैं बिना समझे भी समझा रहा हूँ तो मुझे भी समझना है। और मुझसे भी जब एक बार भी गलती होती तो मुझे अपनी चाहना स्पष्ट रहती है, मैं जानता हूँ कि योग्यता में कमी कारण गलती हुई है, ना कि चाहना में कमी कारण, मैं अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं समझने और सीखने का तैयार रहता हूँ। तो चाहना पर विश्वास परस्पर विकास की शुरुआत है, है ना, ये थोड़ा सा हम देखना शुरू करें अपने निकट संबंधों में तो आपको और क्लैरिटी बनेगी, और इसमें संबंध में जो सुख मिलेगा उससे आगे का उत्साह बनता है। तो एक रिफ्लेक्शन आपको यहाँ ले लेते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी सहस्वीकृति है सुखी रहना, दूसरों को सुखी करना, मैं ये भी देख पाता हूँ कि दूसरे की सहस्वीकृति भी, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हों या दोस्त हों, है ना, उनकी मेरी सहस्वीकृति मेरे ही समान है या अलग है, इस पर रिफ्लेक्ट करिए। तो विश्वास जो है संबंधों का आधार है, चाहना पर विश्वास के साथ मैं दूसरे से अपने संबंध को महसूस करता हूँ। जब मैं दूसरे के साथ कार्यक्रम बनाता हूँ तो मैं उसकी और अपनी योग्यता का मूल्यांकन करता हूँ तथा अपनी वर्तमान परस्पर योग्यता के अनुसार कार्यक्रम बना पाता हूँ, है ना। तो हमारा जो एक हमारी जो योग्यता है, अगले की योग्यता है, उसको ध्यान में रखकर परस्पर कार्यक्रम बना पाते हैं। मैं निरंतर अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए समझने और सीखने का प्रयास करता हूँ। यदि दूसरे की योग्यता में कमी है तो मैं निष्ठापूर्वक बिना खिजे बिना चिढ़े उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, है ना। ये जो टिक मार्क लग गया है हमारे अंदर, तो हर बार दूसरे में समझ को सुनिश्चित करने का प्रयास होगा, ना कि खीज का, चिढ़ का, इरिटेशन का, एंगर का, पोजीशन का, ऐसी भाव आएगा। बढ़िया बात है, आप में से कई लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि मेरी सहस्वीकृति दूसरे के समान है। अच्छी बात है, आप में से कई लोग इस बात को देख पा रहे हैं। अब एक और रिफ्लेक्शन लेते हैं आपसे। ये नहीं है। जी, तो आज का गृह कार्य है कि अपने परिवार के सदस्यों की सूची तैयार करें। अब प्रत्येक सदस्य से विश्वास के 8 प्रश्न पूछें और मूल्यांकन करें, और जरूरत पड़ने में बातचीत भी करें कि क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। वही 8 प्रश्न जो आपने अपने आप से किए, है ना। ये अब हम किसी अपने संबंधी के साथ, जैसे मान लीजिए स्पाउस के साथ बैठ के ये 4 प्रश्न ऊपर वाले 4 प्रश्न नीचे वाले पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपने बारे में बता सकते हैं, अगले से सुन सकते हैं, ठीक है ना।
अपने आप में भी आकलन कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, और फिर मूल्यांकन करें अपनी चाहना का, दूसरे की चाहना का, अपनी योग्यता का, दूसरे की योग्यता का। ये आज एक करने का काम है, और जो लोग सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठे हैं वो तो इसको बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक कर लें, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे वर्कशॉप का। तो अगर पूरी बात को सार संक्षेप में रखें तो दूसरा मुझे सुखी और समृद्ध करना चाहता है, इस बात की स्पष्टता होना विश्वास है, यही संबंध का आधार है। यदि मैं चाहना पर विश्वास करता हूँ तो दूसरे के साथ अपने संबंध को महसूस करता हूँ और परस्पर योग्यता के सही मूल्यांकन के आधार पर दूसरे के साथ कार्यक्रम बनाता हूँ। यदि दूसरे की योग्यता में कमी है तो मैं दूसरे को आश्वस्त करने का प्रयास करता हूँ। एक बार जब उस संबंध में आश्वस्त होता है, उससे पहले नहीं, तो मैं उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ। यदि मेरी योग्यता में कमी है तो मैं अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए दूसरे से मदद लेने को तैयार रहता हूँ। दूसरी तरफ देखें तो यदि मुझे चाहना पे शंका है तो मैं दूसरे का मूल्यांकन उसकी योग्यता में कमी के आधार पर करता हूँ, उसकी योग्यता कमी को उसकी चाहना कमी मानता हूँ, जिससे मेरे अंदर उसके प्रति विरोध का भाव आता रहता है ना, जबकि मैं अपना मूल्यांकन चाहना के आधार पर कर रहा हूँ। और फिर ये विरोध का भाव चीड़, खीर, क्रोध के रूप में प्रकट होता है, और आगे चल के अगर देखें तो ये लड़ाई, संघर्ष, युद्ध में जा सकता है। कई बार होता है कि दो लोगों के परस्पर संबंध में जो ये विरोध का भाव आ गया वो दो समुदायों के बीच में विरोध का कारण बन जाता है, फिर युद्ध का कारण बन जाता है, ऐसा कई बार आपको दिखाई देगा। तो अब एक क्विज रख लेते हैं, है ना परिचित भैया जी। क्विज का समय समाप्त हो चुका है, मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा कुमार भैया को इंटरेक्टिव इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए और इन प्रस्तावों को हमारे समक्ष रखने के लिए। जी कुमार भैया, थैंक यू जी। बढ़िया भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते।